हाँ भाई बच्चों, जल्दी से बताइए सभी लोग, ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं? फ्यूचर गॉड, जल्दी से बताओ क्या ऑडियो और वीडियो पूरी तरह से क्लियर है या नहीं? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताओ सारे बच्चे, क्या ऑडियो और वीडियो पूरी तरह से क्लियर है? सभी बच्चों को प्रॉपर सुनाई और दिखाई दे रहा हूं। म्यूजिक हार्दिक चौधरी, दिव्या, अमित, काव्या, आलोक, कोल्ड कूड, कोल्ड डूड, MSD, पलक, यस 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 यस, ओके ओके ओके। तो सबसे पहले तो यार बताओ बच्चों, आप लोगों के हाल चाल क्या चल रहे हैं? क्योंकि जैसे जैसे पेपर पास आ रहा होगा तो धड़कने बढ़ रही होंगी, थोड़ा टेंशन हो रही होगी कि यार ये इतना सारा सिलेबस है, बहुत सारा पढ़ लिया है, मगर क्या इतना पढ़ लिया है कि वहां पर जाके 650, 630, 680, 710 नंबर ला पाएंगे? तो सभी बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है? हाउ द जोश, पढ़ाई कैसी चल रही है? जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं अभी, रॉयल जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं सारे बच्चे की पढ़ाई कैसी चल रही है। हाँ, यस, जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं सभी बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है। यस, अर्चना का कहना है सर ठीक है, क्रैक कर लेंगे। कोर्डू, डर लग रहा है गुरुजी। ओके नेहा, ठीक है सर। रुद्र कह रहा है लो चल रही है, मस्त मस्त मस्त। ओके, तो देखो यार बच्चों, यदि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही है तो बहुत अच्छा है, यदि थोड़ी बहुत कम चल रही है या आपको डर लग रहा है तो ऐसा आप ये मान के चलो कि ऐसा ये स्वाभाविक बात है। जब इतना बड़ा पेपर सामने होता है ना तो डर सबको लगता है, चाहे वो आप हो चाहे वो हम हो। ऐसा नहीं है कि वो डर सिर्फ आपको लगेगा, हमको नहीं लगेगा, ठीक है ना? वो डर सबको लगेगा। क्यों? क्योंकि यार इतना बड़ा पेपर है जिसकी तैयारी कोई बच्चा 1 साल से कर रहा है, कोई बच्चा 2 साल से कर रहा है, कोई बच्चा 3 साल से कर रहा है, कोई बच्चा 4 साल से कर रहा है। तो जब इतनी सालों से बच्चे प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो सब कुछ दांव पे लगा होता है। आपकी मेहनत, घर वालों का मेहनत, ठीक है, घर वालों की आशाएं और हम लोगों की मेहनत, सब कुछ दांव पे लगी होती है तो थोड़ा सा टेंशन होती है, थोड़ा सा टेंशन होती है। मगर मैं आप सभी लोगों को यह बताना चाहता हूं कि आप सभी लोग काबिल हो, आप सभी लोग पेपर को निकाल पाओगे। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं निकाल पाओगे, बस आप इन चीजों को देखो कि पेपर निकालने के लिए क्या क्या जरूरत है, एग्जाम क्लियर करने के लिए क्या क्या बातों की जरूरत है। एग्जाम क्लियर करने में केमिस्ट्री में क्या चीजें चाहिए? जैसे केमिस्ट्री में आप सभी बच्चे जानते हैं बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जिनसे बम्फर क्वेश्चन आते हैं, है ना? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, जीओसी, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, एल्डिहाइड कीटोन, ये ऐसे चैप्टर हैं जिनसे बहुत ज्यादा नंबर में क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा क्वेश्चन आते हैं पेपरों में। तो इन चैप्टरों को इस लेवल तक तैयार कर लो कि इनसे कोई भी क्वेश्चन आए तुम कर पाओ, इनसे कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे इजी क्वेश्चन आए चाहे टफ क्वेश्चन आए, आप जरूर करके आओ। इस लेवल तक इनको तैयार कर लो, इस लेवल तक इन क्वेश्चनों को आप पहुंचा लो कि कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आता है तो आप क्या करो, इनको कर पाओ, इस लेवल तक कर लो, ठीक है? फिजिकल केमिस्ट्री में मैक्सिमम टॉपिक मैंने वन शॉट में करा दिए हैं, आपको मोल कॉन्सेप्ट करा दिया है, आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर करा दिया है, आपको लिक्विड सॉल्यूशन कराने जा रहा हूं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करा दिया है, केमिकल काइनेटिक्स करा दिया है, ठीक है? तो अब बचता क्या है, एक दो चैप्टर बचते हैं वो भी करा दूंगा, और साथ साथ में 11th क्लास की वन शॉट, पूरे 11th की प्रैक्टिस सेशन भी करा दिया है। 12th का प्रैक्टिस सेशन बचा है, वो किसी दिन लाइव क्लास में हम लोग कराएंगे। हाँ बेटा सेनल, फिजिकल केमिस्ट्री तो करवाई रहे, पूरी करवा देंगे आप, बिल्कुल प्रॉपर ना, बिल्कुल टेंशन ना लो। यस 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 यस, तो आप लोग टेंशन ना लें, मगर आप लोग मेहनत जरूर करें। देखो रिजल्ट क्या आएगा,
इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपके फ्यूचर पे, मगर इस बात से जरूर फर्क पड़ेगा कि आपने पूरे साल या लास्ट के महीने में मेहनत कितनी की है। यदि आप अपना सब कुछ झोंकते हो, पूरी जान लगाते हो, तो आप भी रिजल्ट ना आने पर दुखी नहीं होंगे, घर वाले भी रिजल्ट ना आने पर दुखी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मेरे बच्चे ने पूरी जान लगाई है। आपको भी पता है कि मैंने यार अपना बेस्ट दिया है। इसका मतलब हो सकता है हम इससे ज्यादा बड़ी चीज के लिए बने हो, इससे ज्यादा बड़ी चीज के लिए बने हो। तो आप जब अपना बेस्ट दोगे ना, तो फिर ध्यान रखिएगा, आज नहीं तो कल आपका फ्यूचर बनेगा ही बनेगा, आपका फ्यूचर बनेगा ही बनेगा। तो इसीलिए कोई भी बच्चा डरे नहीं, इसको एक पेपर समझे और अपनी बेस्ट प्रिपरेशन के साथ इस पेपर को दो। तो चलो आज हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन करने वाले हैं, तो लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में सारी डिटेल एक एक करके दे देते हैं। लिक्विड सॉल्यूशन ऐसा चैप्टर है जिसके क्वेश्चन आप पेपर में करके आ सकते हो आराम से। लिक्विड सॉल्यूशन एक ऐसा चैप्टर है जिसके क्वेश्चन आप पेपर में बहुत आराम से करके आ सकते हो, और इसमें कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। इसमें 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 8 से लेके 12 नंबर तक आते हैं। 2 क्वेश्चन जनरली आते हैं, तो 2 क्वेश्चन की तो प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, 2 क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी तो बहुत हाई है कि हाँ यार 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो जल्दी से तैयार हो जाइए, सब लोग पेन कॉपी लेके बैठ जाए, पेन कॉपी लेके सभी बच्चे बैठ जाए, जल्दी से पेन कॉपी ले। पानी की बोतल ले लीजिए और पानी की बोतल लेके तैयार हो जाइए, पानी की बोतल लेके तैयार हो जाइए। तो चलो मैंने तो ले ली है, आप भी ले लीजिए। अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं, अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चों आ जाओ, बच्चों आ जाओ। देखो कंसंट्रेशन टर्म मैंने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा दिया था, कंसंट्रेशन टर्म मैंने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा दिया था। आज हम लोग जो क्लास स्टार्ट करेंगे वो कहां से स्टार्ट करेंगे? वेपर प्रेशर से स्टार्ट करेंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे? वेपर प्रेशर से स्टार्ट करेंगे। यस, वेपर प्रेशर से क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो सारे बच्चे जल्दी से, हां जो बेटा श्री कृष्णा, श्री साई कृष्णा, कृष्णा बेटा जो थर्मोडाइनेमिक्स में पार्ट बचा है उसको भी मैं किसी ना किसी दिन रिकॉर्डेड या लाइव करा दूंगा, ठीक है? बिल्कुल परेशान ना हो। हां तो चलो बच्चों अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जितने भी बच्चे हैं सारे के सारे बच्चे सबसे पहले वेपर प्रेशर की डिफिनीशन बताएं। वेपर प्रेशर की डिफिनीशन क्या होती है? वेपर प्रेशर किस तरह से निकाला जाता है? क्या कोई बच्चा बता सकता है? तो गौर से सुनो, वेपर प्रेशर क्या होता है और किस तरह से निकाला जाता है। देखो होता क्या है, जब किसी लिक्विड को क्लोज कंटेनर में आप रखते हो और लिक्विड को आप हीट करोगे, तो क्लोज कंटेनर में रख के जब आप लिक्विड को हीट करना स्टार्ट करते हो, धीरे 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 क्या करते हो, हीट करना स्टार्ट करते हो, तो उसकी वेपर बनना स्टार्ट हो जाती है। और वेपर बनते 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 इतनी वेपर बन जाती है कि फिर वो कंडेंसेशन स्टार्ट कर देती है। तो जब लिक्विड की वेपर और लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाता है, जब लिक्विड की वेपर और लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाता है, उस समय जो भी वेपर का प्रेशर होता है उसको वेपर प्रेशर आप लिक्विड कहते हैं। उस समय जो भी वेपर का प्रेशर होता है उसको वेपर प्रेशर आप लिक्विड कहते हैं। और वो क्या होता है? टोटल प्रेशर एग्जर्ट बाय वेपर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इन इक्विलिब्रियम इन क्लोज कंटेनर। क्लोज कंटेनर में जब लिक्विड और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाएगा, उस समय जो भी प्रेशर वेपर का होगा उसको वेपर प्रेशर कहेंगे। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है? अब सारे बच्चे इस बात को बहुत समझ से समझे। इक्वेशन क्या बन रही है? लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है? वेपर में। वेपर किस में कन्वर्ट हो रहा है? लिक्विड में। और ये जो इक्विलिब्रियम है बच्चों, ये इक्विलिब्रियम कैसी होती है? एंडोथर्मिक होती है। ये इक्विलिब्रियम कैसी होती है?
एंडोथर्मिक होती है। तो गौर से देखो, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड जो होता है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर होता है। और कौन सी इक्विलिब्रियम? इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर होता है। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड जो होता है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर होता है। इससे क्या पता चलता है? देखो सीएसडी नंबर वन, इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि वेपर प्रेशर सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। क्यों? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर पर डिपेंड करता है तो वेपर प्रेशर भी सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। तो इसका मतलब आप कुछ भी करो मगर वेपर प्रेशर चेंज नहीं होगा। वेपर प्रेशर तभी चेंज होगा जब टेम्परेचर चेंज करोगे। वेपर प्रेशर तभी चेंज होगा जब टेम्परेचर चेंज करोगे। क्यों? क्योंकि वेपर प्रेशर सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन है। और ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसकी वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर है। उसकी वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं चेंज होगा तो वेपर प्रेशर चेंज नहीं होगा। आप चाहे लिक्विड का अमाउंट चेंज कर दो, चाहे कंटेनर का शेप चेंज कर दो, चाहे बेटा कंटेनर का साइज चेंज कर दो, चाहे सरफेस एरिया चेंज कर दो और चाहे वॉल्यूम ऑफ लिक्विड चेंज करो, कुछ भी करो वेपर प्रेशर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, इसका आंसर बताइए सारे बच्चे। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, इसका आंसर बताइए सारे बच्चे। देखो मैंने आपसे ये कहा, आप आंसर बताइएगा, ठीक है? देखिए 100 ग्राम वाटर है और इसका वेपर प्रेशर P1 है और एक कंटेनर में 1000 ग्राम वाटर है और इसका वेपर प्रेशर P2 है। आप बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? P1 बराबर P2 होगा, P1 ग्रेटर देन P2 होगा, P2 ग्रेटर देन P1 होगा, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं? बताओ बच्चों, सारे बच्चे सही से और अच्छा आंसर बताएं। 100 ग्राम वाटर है जिसका वेपर प्रेशर P1 एटमॉस्फेयर है और 1000 ग्राम वाटर है दूसरे कंटेनर में जिसका वेपर प्रेशर P2 एटमॉस्फेयर है। तो सारे बच्चे बताएं P1 और P2 में क्या रिलेशन होगा? जल्दी बताइए, जल्दी बताओ सारे बच्चे, जल्दी बताइए सारे बच्चे। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बच्चों, बहुत सही। क्या आंसर आएगा? आंसर आएगा ए। क्यों? क्योंकि वेपर प्रेशर अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है। वेपर प्रेशर अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है। यदि लिक्विड सेम है, टेम्परेचर सेम है तो वेपर प्रेशर सेम आएगा। वेपर प्रेशर अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है, इस वजह से आंसर क्या आएगा? ए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब जरा देखो, आपने लिखा कि वेपर प्रेशर ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे वेपर प्रेशर बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन है। आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में बताया गया है कि टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती है यदि एंडोथर्मिक रिएक्शन है। टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती है यदि एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर भी बढ़ेगा। क्यों? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? वेपर प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज होगी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो वेपर प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज होगी। क्लियर है? क्लियर है इतनी बात? क्या इतनी बात क्लियर है? यदि सारे बच्चों को इतनी बात क्लियर है तो सीएसडी नंबर 4 देखो। वेपर प्रेशर अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मान लो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में कंपेयर किया जा रहा है, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में कंपेयर किया जा रहा है, तो क्या होगा? तो होगा क्या?
अट्रैक्शन फोर्स जितना ज्यादा होगा वेपर प्रेशर उतना कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अट्रैक्शन फोर्स जितना ज्यादा होगा वेपर प्रेशर उतना कम होगा। यदि दो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है तो वो वेपर कम बनाएगा, यदि दो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तो वो वेपर कम बनाएगा, तो वो वेपर क्या होगा बच्चों, कम बनाएगा। तो जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा मॉलिक्यूल के बीच में उतनी कम वेपर बनेगी। और अट्रैक्शन फोर्स का ऑर्डर क्या होता है, तो गौर सुनो, सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होता है आयन आयन के बीच में, फिर अट्रैक्शन फोर्स होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो होता है कौन सा, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल डाइपोल, फिर जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो नॉन डाइपोल मूवमेंट, नॉन डाइपोल मॉलिक्यूल, नॉन डाइपोल मॉलिक्यूल, ये ऑर्डर होता है। तो देखो अट्रैक्शन फोर्स का ऑर्डर ये है, आयनों के बीच में सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगता है, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले मॉलिक्यूल के बीच में, फिर डाइपोल डाइपोल, फिर नॉन डाइपोल मॉलिक्यूल। तो ध्यान रखिएगा वेपर प्रेशर जो है अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये वाला पॉइंट कब लगेगा सारे बच्चे बताओ, ये वाला पॉइंट तब लगेगा जब दो डिफरेंट लिक्विड के बीच में कंपेयर होगा, जब दो डिफरेंट लिक्विड के बीच में कंपेयर होगा। यहां पर देखो सेम लिक्विड थे, वाटर वाटर, जब दो डिफरेंट लिक्विड के बीच में कंपेयर होगा तब लगेगा। अब बताओ हाईएस्ट वेपर प्रेशर वाटर का होगा कि बेंजीन का होगा, सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दें, हाईएस्ट वेपर प्रेशर वाटर का होगा कि बेंजीन का होगा, मस्त आंसर बताइए, हाईएस्ट वेपर प्रेशर वाटर का होगा कि बेंजीन का होगा, सारे बच्चे आंसर दें, यस वाटर का होगा कि बेंजीन का होगा, जल्दी से बताओ सारे बच्चे, वेरी गुड वेरी गुड, सारे बच्चे आंसर दे, बहुत सही बहुत सही बहुत सही, यस। तो किसका होगा वेपर प्रेशर, बेंजीन का ज्यादा होगा, क्यों, बेंजीन नॉन पोलर है और वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बेंजीन नॉन पोलर है तो बेंजीन आएगा इस कैटेगरी का और वाटर आ रहा है इस कैटेगरी का, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, वेपर प्रेशर कम, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, वेपर प्रेशर कम, बहुत सही बेटा, बहुत सही बहुत सही, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो देखो वेपर प्रेशर के बारे में आप लोग बात समझ गए हो, वेपर प्रेशर के बारे में आप लोग बात समझ गए हो, तो एक और पॉइंट वेपर प्रेशर के बारे में बताना चाहता हूं, वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा इसका मतलब वो कम वेपर बनाता है, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा इसका मतलब वो ज्यादा वेपर बनाता है। अब जरा इस क्वेश्चन का जवाब दो, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इज P1 एटमॉस्फेयर एट 300 केल्विन, देन वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एट 400 केल्विन इज, बताइए 300 केल्विन पर बेंजीन का वेपर प्रेशर इतना है, तो 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेंजीन का वेपर प्रेशर कितना होगा, P1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा या उससे ज्यादा होगा, सारे बच्चे आंसर दें, P1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा या उससे ज्यादा होगा। टेम्परेचर आपने बढ़ाया है, पहले 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह वेपर प्रेशर था, 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेपर प्रेशर पूछा जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बताइए बताइए सारे बच्चों को। अभी देखो मैंने ये पॉइंट पढ़ाया है, ये पॉइंट याद है सबको, टेम्परेचर वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, यस वेरी गुड बेटा वेरी गुड वेरी गुड, हाँ तनु वेरी गुड बेटा तनु, आदिति वेरी गुड, दिव्या काव्या सोनी वेरी गुड। यदि सभी बच्चे चीजों को बहुत अच्छे समझ पा रहे हैं तो जल्दी से थम्सअप बना दें और सेशन को लाइक भी कर दें, और सेशन को लाइक भी कर दें और थम्सअप बना दें और चैट बॉक्स को लाल कर दें यदि ये बातें सारी समझ में आ रही हैं, तो ये सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं तो चैट बॉक्स को लाल कर दो और सेशन को लाइक कर दो सारे लोग। अब जब देखो तो
टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड ए एंड लिक्विड बी इज 100 केल्विन एंड 200 केल्विन, अरेंज वेपर प्रेशर। बताओ इसका बॉइलिंग पॉइंट, ए का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100 है और बी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 200 है, तो पूछ रहा है वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा। वेपर प्रेशर के लिए क्या करोगे, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो वेपर प्रेशर कम, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है इसका, तो वेपर प्रेशर इसका कम होगा। इसका मतलब ए का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, बी का वेपर प्रेशर कम होगा। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, ए का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, बी का वेपर प्रेशर कम होगा। क्या यह बात सबको क्लियर है अच्छे से, क्या यह बात सबको क्लियर है अच्छे से? वेरी गुड बच्चों, बहुत सही, बहुत सही। क्या यह बात सबको क्लियर है? अच्छा आगे आ जाओ, अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, यदि वेपर प्रेशर हेडिंग सबको समझ में आ गई है तो बच्चों अब हम लोग बात करने जा रहे हैं राउल्ट्स लॉ की। अब हम लोग किसकी बात करने जा रहे हैं, राउल्ट्स लॉ की बात करने जा रहे हैं। तो क्या सारे बच्चे तैयार हैं राउल्ट्स लॉ के लिए, क्या सारे बच्चे तैयार हैं राउल्ट्स लॉ के लिए, क्या सभी के सभी बच्चे तैयार हैं राउल्ट्स लॉ के लिए? यस। तो अब जरा राउल्ट्स लॉ को देखो अच्छे से, राउल्ट्स लॉ होता क्या है। देखो आप जब दो लिक्विड को मिलाओगे तो एक सोल्यूशन बनेगा। आपने अभी क्या पढ़ा है, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर। किसी बच्चे ने कहा कि सर यदि हम सोल्यूशन बना दें तो वेपर प्रेशर कितना आएगा, आपने तो प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर बनाया है। अब हम दो लिक्विड को मिला रहे हैं और सोल्यूशन बना रहे हैं तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसे निकाला जाएगा? तो जरा देखो हमने क्या किया, दो लिक्विड को मिलाया, एक लिक्विड का नाम है ए और एक लिक्विड का नाम है बी, और इनको मिलाकर हम लोगों ने एक सोल्यूशन बना लिया। तो केस वन गौर सुनो, जब दोनों लिक्विड वोलेटाइल हो, वोलेटाइल का मतलब क्या होता है बता सकते हो, वेपर फॉर्म करते हो, क्या फॉर्म करते हो, वेपर फॉर्म करते हो, मतलब दोनों लिक्विड ऐसे हैं जो वेपर बनाएंगे, दोनों लिक्विड ऐसे हैं जो वेपर बनाएंगे। तो सबसे पहले कंडीशन देखो राउल्ट्स लॉ की क्या है, दोनों लिक्विड आपस में अनरिएक्टिव होनी चाहिए। राउल्ट्स लॉ की कंडीशन क्या है, दोनों लिक्विड आपस में अनरिएक्टिव होनी चाहिए और लिक्विड ए के मॉलिक्यूल के बीच में जितना अट्रैक्शन फोर्स हो उतना ही अट्रैक्शन फोर्स लिक्विड बी के मॉलिक्यूल के बीच में होना चाहिए और उतना ही अट्रैक्शन फोर्स दोनों को मिलाने पर होना चाहिए। जब दोनों को मिला दो तो उनके बीच में भी उतना ही अट्रैक्शन फोर्स होना चाहिए, मतलब ए लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में जितना अट्रैक्शन हो उतना ही अट्रैक्शन बी लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में हो और उतना ही अट्रैक्शन जब सोल्यूशन बने तो ए और बी के बीच में हो, उतना ही अट्रैक्शन जब सोल्यूशन बने तो ए और बी के बीच में भी हो। ये देखो ए और बी के बीच में भी हो, क्लियर है, क्लियर। अब देखो बच्चों सीएसडी नंबर टू, राउल्ट्स लॉ की इक्वेशन होती क्या है, राउल्ट्स लॉ की इक्वेशन होती है PT इक्वल टू PA नॉट काई ए प्लस PB नॉट काई बी। काई ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए इन सॉल्यूशन। फार्मूला क्या होता है, मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी, मोल ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल मोल। PA नॉट PB नॉट क्या है, स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए एंड लिक्विड बी, स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए एंड लिक्विड बी। प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर कांस्टेंट होते हैं, प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर कांस्टेंट होते हैं, उन्हीं को स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए एंड लिक्विड बी बोला जाता है। तो देखो राउल्ट्स लॉ की इक्वेशन ये है, ये क्या इक्वेशन है, पीटी मतलब टोटल प्रेशर इक्वल टू, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए लिक्विड प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी लिक्विड, और पार्शियल प्रेशर की इक्वेशन पीए नॉट काई ए प्लस पीबी नॉट काई बी। PA नॉट PB नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए एंड बी है, काई ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सॉल्यूशन, काई बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन सॉल्यूशन। क्या इतनी बात क्लियर है सब बच्चों? यस। यदि इतनी बात सभी बच्चों को क्लियर है तो जरा इस क्वेश्चन का जवाब दे, इस क्वेश्चन का जवाब दे। मैंने कहा था मैं सारे PYQ करा दूंगा, सारे बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब दे। पहला, ए सॉल्यूशन कंटेन्ड कंपोनेंट ए एंड बी फॉलो राउल्ट्स लॉ। बताओ भाई, सारे बच्चे जल्दी से आंसर दें।
बहुत सही बेटा आलोक, वेरी गुड। दो से ढाई घंटे में पूरा सोल्यूशन करा दूंगा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत सही। बताइए अब जरा देखो राउंड्स ला की कंडीशन क्या है। राउंड्स ला की कंडीशन है कि उनके फोर्स आपस में बराबर होंगे। मैंने अभी आपको बताया है कि फोर्स क्या होते हैं, आपस में बराबर। ए बी इंट्रैक्शन इज ग्रेटर, ए बी इंट्रैक्शन इज लेसर, ए बी इंट्रैक्शन फोर्स रिमेन सेम। यस यस, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, बहुत सही, बहुत सही आंसर, बहुत सही आंसर, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सही। अब जरा इस क्वेश्चन का आंसर दो, इस क्वेश्चन का आंसर दो, ये भी पीवाईक्यू है, इस क्वेश्चन का आंसर दो। द वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड पी एंड क्यू, तो देखो ये मान लो पी ए नॉट हो गया, ये मान लो पी वी नॉट हो गया, टॉर रिस्पेक्टिवली। द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ऑब्टेंड, पीटी की वैल्यू निकालनी है बाय मिक्सिंग, ये थ्री मोल ऑफ ए और टू मोल ऑफ बी। अब बताओ कैसे निकालोगे, तो टोटल वेपर प्रेशर पी ए नॉट का ये, पी बी नॉट का बी। अब पी ए नॉट किसको माना है, इसको मैंने ए माना है, इसको मैंने बी माना है, तो इसकी वैल्यू 80। अब बेटा इसका मोल फ्रैक्शन निकालो, किसका मोल फ्रैक्शन निकाल लो इसका, तो मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाई टोटल मोल, मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाई टोटल मोल। अब इसका कितना है 60। अब मोल ऑफ बी डिवाइडेड बाई टोटल मोल, मोल ऑफ बी डिवाइडेड बाई टोटल मोल। अब इसको सॉल्व कर लो, 5 16 पचे 80 और 16 48, 12 पंचे 60, 12 दूनी 24, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 6 1 7, तो 72 टॉर आ गया। यस 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 यस, वेरी गुड, बहुत सही बच्चों, बहुत सही, बहुत सही। अब जरा देखो मैं धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को चेंज कर रहा हूं, अब गौर से देखना, मैंने यहां तक बात आपको पढ़ाई, अब मैं कुछ और कॉन्सेप्ट आपको देने जा रहा हूं। जरा देखो, पहला, ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन स्मूथ बनेगा बहुत आराम से। अब इस चीज को देखो, यदि बच्चों दोनों लिक्विड के मोल आपस में बराबर हो, यदि दोनों लिक्विड के मोल आपस में बराबर हो तो टोटल प्रेशर की इक्वेशन ये आती है, क्या, पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट डिवाइडेड बाई टू। क्यों, क्योंकि दोनों लिक्विड के मोल बराबर हैं तो मोल फ्रैक्शन कितने आएंगे, आधा। मोल फ्रैक्शन कितना आएगा, आधा। ये मैंने मैथ्स लगा दिए भाई, मोल बराबर है तो मोल डिवाइडेड बाई टोटल मोल, टोटल मोल क्या हो जाएंगे, डबल। यदि दोनों लिक्विड के मोल बराबर हो तो मोल फ्रैक्शन हाफ आएगा, और मोल फ्रैक्शन हाफ आएगा तो टोटल प्रेशर आ जाएगा पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट डिवाइडेड बाई टू, पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट डिवाइडेड बाई टू। क्या ये बात सबको क्लियर है, आप चाहो तो वैल्यू डाल के देख लो यार, देखो सॉरी, आप क्या करो यहां पे वैल्यू डाल के देख लो, यहां पे हाफ डालोगे, यहां पे हाफ डालोगे तो हाफ कॉमन ले लिया, तो हाफ कॉमन ले लिया तो क्या आ गया, पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट डिवाइडेड बाई टू, है कि नहीं, क्लियर, ए हाँ क्लियर क्लियर। अब अगला पॉइंट जरा समझो सब लोग, बहुत अच्छे समझना। देखो टोटल प्रेशर जो होता है, गौर से देखो, टोटल प्रेशर जो होता है वो बड़े वाले लिक्विड के वेपर प्रेशर से कम और छोटे वाले से ज्यादा होता है, मतलब टोटल प्रेशर उन दोनों के वेपर प्रेशर के बीच में आता है, समझ रहे हो, मतलब जैसे एक लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर 400 है, दूसरा लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर 300 है, तो टोटल प्रेशर की वैल्यू 300 से 400 के बीच में ही कहीं होगी, 400 से हमेशा छोटा आएगा और 300 से हमेशा बड़ा आएगा। तो यदि मान लो ये बड़ा है, ये ज्यादा है, तो इससे छोटा होगा और ये स्मॉल है, कम है, तो इससे बड़ा होगा, और सपोज करो ये कम है तो इससे बड़ा होगा, और ये वाला ज्यादा है तो इससे कम होगा,
तो टोटल प्रेशर की वैल्यू हमेशा इनके बीच में ही होगी, ए और बी के प्रेशर के बीच में ही कहीं। अच्छा अब गौर से देखो, टोटल प्रेशर को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ऐसा कैसे लिखोगे अब गौर समझिएगा। देखो आपने काइए और काइबी मोल फ्रैक्शन है, तो आपको पता है दो लिक्विड के मोल फ्रैक्शन का सम 1 के बराबर होता है। आप सबको यह बात पता है कि लिक्विड के मोल फ्रैक्शन का सम 1 के बराबर होता है। तो हम यदि क्या करें, बी की जगह ये डाल दें 1 माइनस काइए, तो हमारी इक्वेशन ये आ जाएगी जी। और ये इक्वेशन डायरेक्ट लिखना मैं सिखा रहा हूं, ये इक्वेशन मैं डायरेक्ट लिखना सिखा रहा हूं, सारे बच्चे गौर से सीखेंगे कैसे करना होता है। मैं आपको ये इक्वेशन डायरेक्ट लिखना सिखा रहा हूं। देखो गौर से देखो सारे बच्चे, हमारे पास टोटल प्रेशर की इक्वेशन ये है, टोटल प्रेशर की इक्वेशन ये है। अब जरा देखो, आपको यदि काइए के बारे में लिखना है, यदि काइए के बारे में लिखना है तो देखो ऐसे लिखोगे, यहां ए है ना, तो ए बी बी, मतलब देखो यहां पे ए है तो पी ए नॉट ए पी बी नॉट बी प्लस पी बी नॉट। अब देखो ए बी बी, यहां पे ए है तो ए से स्टार्ट करो और यहां पे बी है तो बी से स्टार्ट करो। ये देखो बी ए ए, ये टोटल प्रेशर की इक्वेशन डायरेक्ट लिखना, डायरेक्ट लिखना भी सीख सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका एग्जाम थोड़ा सा फास्ट है। मेरी बात समझ रहे हो ना, आपका एग्जाम थोड़ा सा फास्ट है, आपको थोड़ा स्पीड अप होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको टाइम कम मिलता है। आप लोगों के पास 200 क्वेश्चन आते हैं, करने 180 होते हैं, मगर अब आप क्या करोगे, 200 क्वेश्चन पढ़ोगे तो गौर से देखो, यहां पर यदि ए लिखोगे तो फिर क्या होगा, ए, जैसे यहां पर ए लिखा तो ए बी बी, यहां पे बी लिखा है तो बी ए ए, बी माइनस ए प्लस ए, ए माइनस बी प्लस बी। ये देखो लिखना सीख रहे हो कि नहीं, पहले ये यस या नो बताओ, यस या नो बताओ सब लोग, ये बात समझ पा रहे हो? जैसे देखो आप बताओ क्या लिखोगे, यहां पे ए लिखा तो फिर ए बी बी, ए माइनस बी प्लस बी, ऐसे। क्लियर सब बच्चों को? क्लियर कैसे लिखना है? यस। अब यदि ये बात आप लिखना सीख गए तो जरा गौर से देखो, इसको कंपेयर करोगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो c की वैल्यू क्या है, ये, m की वैल्यू क्या है, ये देखो है, c की वैल्यू क्या है, ये, m की वैल्यू क्या है, ये। तो देखो यदि यहां a लिखा है तो ये वाला प्रेशर किसका होगा, b का होगा। चेक करो, यदि यहां a लिखा है तो ये प्रेशर b का होगा, चेक करिए है, ये यहां ए लिखा है तो यहां प्रेशर किसका है, बी का। क्लियर है कि नहीं? और ए का प्रेशर क्या होगा, देखो यहां पे ए लिखा है तो ये प्रेशर बी का हो गया। अब ए का क्या होगा, इन दोनों का सम चाहो तो निकाल लो, चाहो तो निकाल लो, आप कैलकुलेट करोगे तो भी आ जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूं एक क्वेश्चन, जैसे आप लोगों को यह बात मेरी समझ में आए, नहीं तो आप लोगों को लगेगा पता नहीं सर क्या कह रहे हैं। गौर से देखो, मैं इसका एक क्वेश्चन आपको करके देता हूं, सारे बच्चे ध्यान दीजिए। मैंने कहा टोटल प्रेशर ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन इज पीटी इक्वल टू 120 काइए प्लस 240। अब आपको निकालना क्या है, पी ए नॉट की वैल्यू बताओ, पी बी नॉट की वैल्यू बताओ। अब बताओ कैसे निकालोगे? तो देखो मैं ऐसे क्वेश्चन को बिना पेन चलाए कर देता हूं, मैं ऐसे क्वेश्चन को बिना पेन चलाए कर देता हूं, और आप भी बिना पेन चलाए करो। कैसे? देखो यहां पे ए लिखा है ना, तो ये इसका मतलब बी की वैल्यू हो गई, ये किसकी वैल्यू हो गई, बी की वैल्यू हो गई, बात खत्म हो गई। अब यहां पर ए लिखा है तो ए की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम चेक कर लो तो 360। लो बात खत्म हो गई, ए की वैल्यू इतनी होगी। यहां ए लिखा है तो ये बी की वैल्यू है, और यहां पर जो लिखा है उसकी वैल्यू इन दोनों का सम होगी। जैसे मान लो ये लिखा होता, गौर से देखो, मान लो ऐसे लिखा होता तो भी वही रूल है, ये ए लिखा है तो ये बी की वैल्यू हो गई,
ठीक। अब a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू होगी इन दोनों का सम, 120 प्लस 240 कितना हुआ 120 ऐसे। और यदि ये बात किसी बच्चे को ना समझ में आए, यदि ये बात किसी बच्चे को ना समझ में आए तो यार भाई कंपेयर कर लेना। मान लो कोई बच्चा कह रहा है सर आपने कुछ ज्यादा ही मैथमेटिकल कर दिया है आप, तो भाई यदि ज्यादा मैथमेटिकल आपको लग रहा है तो कंपेयर कर लो। कैसे करोगे, देखो यहां पे a लिखा है तो a के फॉर्म में इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, ए बी बी, ए के फॉर्म में इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी ए बी बी। अब आप कंपेयर कर लो, तो कंपेयर करोगे तो b की जगह कितना है 240 और a नॉट माइनस b की जगह कितना है 120, तो a नॉट की वैल्यू कितनी हो गई 120 प्लस b नॉट, और b नॉट की वैल्यू कितनी है 240, तो कितना आ गया 360। तो यार यही चीज तुम्हें डायरेक्ट लिख रहा हूं, बात समझ पा रहे हो सब लोग, यही चीज तुम्हें भी लिख रहा हूं मगर मैंने थोड़ी मैथ यूज कर दी है, ठीक है। मगर फिर भी कोई बच्चे को दिक्कत हो तो आप ऐसे कर लो, आप ऐसे कर लो। अब पॉइंट नंबर नेक्स्ट समझो, कॉन्सेप्ट नंबर नेक्स्ट, ये थर्ड नंबर का कॉन्सेप्ट था, अब कॉन्सेप्ट नंबर फोर समझो, गौर से देखिए। यदि देखो टोटल प्रेशर, यदि किसी एक का मोल फ्रैक्शन टेंस टू जीरो है, देखो जैसे लिक्विड ए का मोल फ्रैक्शन टेंस टू जीरो है, लिक्विड बी का मोल फ्रैक्शन अपने आप वन हो जाएगा। क्यों वन हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है दोनों का सम कितना होता है एक के बराबर होता है। यदि ये जीरो है तो इसकी वैल्यू वन हो जाएगी। तो टोटल प्रेशर क्या होगा, फिर टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा बी के, जिसका मोल फ्रैक्शन, हां बिल्कुल सही बेटा, जिसका मोल फ्रैक्शन, गौर सुनिए, जिसका मोल फ्रैक्शन वन होगा टोटल प्रेशर उसी के पास में होगा। इसका मोल फ्रैक्शन वन है टोटल प्रेशर यही है, यदि ए का मोल फ्रैक्शन वन है बी का जीरो है तो टोटल प्रेशर क्या होगा इसके बराबर होगा। और इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं बता रहा हूं यार, ये वाला फार्मूला लगा रहा हूं बस। अब जो बड़ी बात बताने वाला हूं वो गौर सुनो, वो ये है, ये वाला पॉइंट। अब देखो मैक्सिमम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, बताओ मैक्सिमम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा बताइए। तो गौर सुनिएगा, आपको मैंने क्या बताया कि जो टोटल वेपर प्रेशर है वो हायर वैल्यू और लोअर वैल्यू के बीच में होता है। तो मैक्सिमम वेपर प्रेशर क्या हो सकता है, हायर के बराबर। भाई मैंने तुमसे क्या कहा था, यदि मान लो किसी प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर 400 है, ए लिक्विड का वेपर प्रेशर 400 है और बी लिक्विड का वेपर प्रेशर 300 है, तो वो जो सॉल्यूशन बनेगा उसका मैक्सिमम वेपर प्रेशर कितना हो सकता है 400 के बराबर, मिनिमम कितना हो सकता है 300 के बराबर, नहीं तो आएगा क्या उन्हीं के कहीं बीच में। तो यदि तुमसे कोई पूछता है मैक्सिमम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बताओ, तो जिसकी वैल्यू ज्यादा है उसी के बराबर कर दो। ये देखो मैक्सिमम वेपर प्रेशर किसके बराबर है, इसके बराबर। क्यों, क्योंकि मैंने माना है कि यह बड़ा है, मैंने माना है यह बड़ा है। या फिर मैक्सिमम वेपर प्रेशर इसके बराबर होगा, यह कब होगा जब यह बड़ा होगा, तो जो बड़ा होगा मैक्सिमम वेपर प्रेशर उसके बराबर होगा, ध्यान रखना ये देखो। और जिसके बराबर होगा उसका उसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, जिसके बराबर होगा उसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा वन, दूसरे का जीरो। अब किसी ने कहा मिनिमम वेपर प्रेशर बताओ, तो मिनिमम वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा, मिनिमम वाले के बराबर जो छोटा होगा। छोटा कौन है, ए, ए के बराबर है। छोटा कौन है, बी, बी के बराबर है। तो क्या सारे बच्चे ये जान गए, मान लो मैंने क्वेश्चन ऐसे दिया, देखना क्वेश्चन कैसे आएगा मैं बताता हूं। टू मोल ऑफ लिक्विड ए, सब लोग क्वेश्चन सुनो आंसर दो, टू मोल ऑफ लिक्विड ए मिक्स विद थ्री मोल ऑफ लिक्विड बी एंड फॉर्म बाइनरी सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए 600 एंड लिक्विड बी 400 mm Hg रिस्पेक्टिवली, कैलकुलेट approximate maximum vapor pressure of solution is equal to, calculate maximum vapor pressure of solution is equal to approximate। अब बताओ कितना आएगा। अब तुम क्या करोगे, तुम सोचोगे कैसे निकाले, अरे निकालना ही नहीं है इसमें,
इसमें निकालना ही नहीं है। बड़ी वाली वैल्यू कौन है? 600, बस 600 के बराबर आएगा, 600 के बराबर आएगा। और ये बात देखो ग्राफ में भी पता चलती है, आप इस ग्राफ को देखो, देखो ये है टोटल प्रेशर का ग्राफ, तो टोटल प्रेशर की सबसे छोटी वैल्यू क्या है? ये। सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? ये। इसका मतलब टोटल प्रेशर इनके बीच में है, इनके बीच में, और यही मैं ऊपर लिख के आ रहा हूं। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, यही बात मैं ऊपर लिख रहा हूं। क्या सभी बच्चे मेरी बात को एग्री कर रहे हैं? क्या सभी बच्चे मेरी बात को एग्री कर रहे हैं? यदि एग्री कर रहे हो तो मैं क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, इसका आंसर दो। पेपर में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आंसर दीजिएगा। सारे बच्चे आंसर देंगे, ठीक है? देखो, 4 ग्राम बेंजीन मिक्स विद 10 ग्राम टॉलिन, ठीक है, एंड वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टॉलिन इज 1200 एंड 800 mm ऑफ HG रिस्पेक्टिवली, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अप्रॉक्सीमेट, अप्रॉक्सीमेट ए 780 mm HG, बी 1350 mm HG, सी 1200 mm HG, डी नन ऑफ दीज। अब बताओ आंसर क्या है, सारे बच्चे बताएं आंसर क्या है, सारे बच्चे बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सभी बच्चे बताएं, सभी बच्चे बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपके हिसाब से, सभी बच्चे बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपके हिसाब से। अब देखो वो क्या कह रहा है, मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर होगी? बड़े वाले के बराबर। मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर होगी? बड़े वाले के बराबर। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, वेरी गुड। अब जरा देखो बच्चों, अब बात को और आगे ले चलते हैं, अब बात को और आगे ले चलते हैं। यस, अब इस क्वेश्चन को देखो, ये कॉन्सेप्ट देखो जरा, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए एंड लिक्विड बी इन वेपर फेज, वेपर फेज में लिक्विड ए और लिक्विड बी के मोल फ्रैक्शन क्या होंगे? वेपर फेज में लिक्विड ए और लिक्विड बी के मोल फ्रैक्शन क्या होंगे? तो देखो, वेपर फेज में जिस लिक्विड का मोल फ्रैक्शन निकालना हो, वेपर फेज में जिस लिक्विड का मोल फ्रैक्शन निकालना हो, उसका पार्शियल प्रेशर ऊपर, नीचे टोटल प्रेशर। वेपर फेज में जिस लिक्विड का मोल फ्रैक्शन निकालना हो, उसका पार्शियल प्रेशर ऊपर, नीचे टोटल प्रेशर। क्लियर है इतनी बात? YA एंड YB क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए एंड लिक्विड बी इन वेपर फेज। वेपर वाले फेज में भाई सॉल्यूशन, सॉल्यूशन जब वेपर बनाएगा तो लिक्विड ए की भी वेपर बनेगी, लिक्विड बी की भी वेपर बनेगी, तो उस वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन किसका है और कितना है वो निकाला जाता है इससे। तो जिसका वेपर प्रेशर पूछा जाए, जिसका मोल फ्रैक्शन पूछा जाए वेपर फेज में, उसी का पार्शियल प्रेशर ऊपर, नीचे टोटल प्रेशर। बी का पूछा जा रहा है तो बी का ऊपर, ए का पूछा जा रहा है ए का ऊपर। अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये वाला है, ये वाला कॉन्सेप्ट सारे बच्चे बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। क्या है जरा देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज, इन दोनों को डिवाइड करो। जब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो पीटीपीटी कट जाएगा। ये देखो, अब पार्शियल प्रेशर, वेपर प्रेशर क्या होता है? ए का वेपर प्रेशर क्या होता है? पी ए नॉट का ये। बी का वेपर प्रेशर क्या होता है? पी बी नॉट का ये। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, हम इसको ये भी लिख सकते हैं। अब जरा देखो, इसको मैंने अलग लिख लिया। अब ये मोल फ्रैक्शन का रेशियो है,
मोल फ्रैक्शन का रेशियो मोल के रेशियो के बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन का रेशियो मोल के रेशियो के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि मोल फ्रैक्शन की वैल्यू देखो ये है बच्चों, मोल ऑफ ए टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, मोल ऑफ बी टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, तो टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन तो दोनों में कट जाएंगे। देखो तो जो मोल फ्रैक्शन का रेशियो होगा वही मोल का रेशियो होगा, तो हम काईए अपॉन काईबी की जगह एनए अपॉन एनबी लिख सकते हैं। एनए अपॉन एनबी को खोल दो, ये क्या है मोल, मोल क्या होता है मास अपॉन मालिकुलर मास, मास अपॉन मालिकुलर मास, तो मास अपॉन मालिकुलर मास, मास अपॉन मालिकुलर मास, मास अपॉन मालिकुलर मास। तो इस चीज को आप यह भी लिख सकते हो, इस चीज को यह भी लिख सकते हो, इस चीज को यह भी लिख सकते हो, इस चीज को यह भी लिख सकते हो। तो ध्यान रखना हम क्वेश्चन के हिसाब से इस इक्वेशन को चेंज करते रहेंगे, हम क्वेश्चन के हिसाब से इस इक्वेशन को चेंज करते रहेंगे। अच्छा, मोल फ्रैक्शन का सम वन के बराबर होता है, तो वेपर फेज में वेपर किसकी किसकी है, ए और बी की, तो ए का वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन प्लस बी का वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन इक्वल टू वन। ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने लिख दिए और एक फार्मूला ये होता है, मोल फ्रैक्शन का रेशियो इक्वल टू मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000। ये मैंने मोल कॉन्सेप्ट में भी पढ़ाया है, ये मैंने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ाया है, कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन टर्म है, ठीक है। अब देखो इन पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आएंगे, आपका काम है क्वेश्चन करना, इन पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आएंगे देखो बच्चों करो। अब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, देखो ए सॉल्यूशन है 1:4 मोलर रेशियो ऑफ पेंटेन एंड हेक्सेन, द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर हाइड्रोकार्बन एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड 440 mm ऑफ Hg पेंटेन एंड 120 mm ऑफ Hg हेक्सेन, द मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन इन द वेपर फेज, पेंटेन का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में पूछ रहा है, तो जिसका मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में पूछेगा उसका पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर क्या होता है उसका स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर इनटू उसके मोल फ्रैक्शन, और ये क्या है पार्शियल प्रेशर, टोटल प्रेशर की इक्वेशन क्या होती है राउल्ट्स लॉ से, ये हेक्सेन। अब वैल्यू डाल दो, पेंटेन का प्रेशर कितना दिया है 440 अब पेंटेन के मोल फ्रैक्शन कितने होंगे, ये पेंटेन के मोल है ये हेक्सेन के, तो मोल ऑफ पेंटेन डिवाइडेड बाय टोटल मोल, सब लोग आंसर बताएं, सब लोग क्वेश्चन का आंसर बताएं। अब हेक्सेन का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, मोल ऑफ हेक्सेन डिवाइडेड बाय टोटल मोल, इसको काटो 8 × 40 88 अब प्लस 5 × 2 = 10 ठीक है, 2 लगा 5 × 20 तो 24 हो गया है ना, 5 × 2 = 10 5 × 20 24 × 8 तो 24 × 8 तो 20 80 80 92 16 96 एक बार चेक करना 24 आया 4 × 16 4 × 8 = 21 ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, आंसर बताओ सारे लोग, मैं हथियार निकालता हूं, मैं हथियार निकालता हूं, 88 प्लस 96 186 तो 88 डिवाइडेड बाई 184 ये वैल्यू आ रही है 4.758 यस। सारे बच्चों का आंसर बताओ, सभी बच्चे आंसर बताएं। देखो क्या किया, जिसका वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन पूछ रहा था उसका पार्शियल प्रेशर ऊपर, पेंटेन का पूछ रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन इन वेपर फेज, तो जिसका मोल फ्रैक्शन पूछे उसका पार्शियल प्रेशर ऊपर डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर कैसे लिखते हैं, पार्शियल प्रेशर कैसे लिखते हैं, स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन, और टोटल प्रेशर की इक्वेशन राउल्ट्स लॉ वाली है अभी आपको बताइए। यस वेरी गुड मास्टर खान, वेरी गुड आलोक,
बहुत सही पिंकी सौरभ, बहुत सही बहुत सही, हार्ट ऑफ द सोल, वेरी गुड पलक रूपाली, वेरी गुड, बहुत सही बच्चों, बहुत सही, बस कोल्ड वुड, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। अब तुम्हारा मन कर रहा होगा कि एक क्वेश्चन तुम और करोगे, तुम्हारा मन कर रहा है कि एक क्वेश्चन तुम और करोगे, तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। द वेपर प्रेशर एट ए गिवन टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल सोल्यूशन कंटेनिंग 0.2 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, अच्छा अभी ये नहीं पढ़ाया है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट वाला केस अभी नहीं पढ़ाया है, इस क्वेश्चन को मत करो, इस क्वेश्चन को मत करिए, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट वाला केस अभी नहीं पढ़ाया है, जब अभी पढ़ाऊंगा फिर करा दूंगा, आप इस क्वेश्चन को करिए। देखो सारे पीवाईक्यू करा रहा हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कंपोजिशन ऑफ वेपर ओवर द आइडियल सोल्यूशन 1:1 मोलर मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टैल्यून इज करेक्ट, एज्यूम दैट द टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट, दोनों के मोल सेम है, तो दोनों के मोल सेम है तो टोटल प्रेशर ये हो गया, क्योंकि दोनों के मोल सेम है। वेपर प्रेशर डाटा एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, बेंजीन का वेपर प्रेशर इतना है 12.8 और टाइल्यून का वेपर प्रेशर इतना है 3.85। अब जरा देखो, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा उसकी ज्यादा वेपर बनेगी, भाई वेपर प्रेशर क्या होता है, जितनी ज्यादा वेपर उतना ज्यादा प्रेशर, भाई गैस का प्रेशर क्या होता है, जितनी ज्यादा गैस उतना ज्यादा प्रेशर। अब बेंजीन का प्रेशर ज्यादा है और टाइल्यून का कम है, इसका मतलब बेंजीन की वेपर भी ज्यादा होगी, वेपर क्या होगी, बेंजीन की ज्यादा होगी इन कंपेयर टू टाइल्यून, क्यों, क्योंकि बेंजीन का वेपर प्रेशर ज्यादा है। अब वो पूछ क्या रहा है, द वेपर विल कंटेन ए हायर परसेंटेज ऑफ टाइल्यून, वो कह रहा है टाइल्यून की वेपर ज्यादा है, गलत, द वेपर विल कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ बेंजीन एंड टाइल्यून, नहीं दोनों की वेपर इक्वल नहीं बनेगी, इक्वल मोल आपने लिए हैं मगर वेपर प्रेशर तो बेंजीन का ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब बेंजीन ज्यादा वेपर बना रहा है। नॉट इनफ इंफॉर्मेशन इज गिवेन टू मेक ए प्रिडक्शन, द वेपर विल कंटेन ए हायर परसेंटेज ऑफ बेंजीन, यस वेरी गुड जूही, जूही बहुत सही, लक्ष्मी बहुत सही, जिसका वेपर, जिसकी वेपर प्रेशर ज्यादा है उसकी ज्यादा वेपर बनेगी, यस वेरी गुड। और ये वाला क्वेश्चन अभी हम लोग करते हैं, इसको जरा यहां लिखते हैं और फिर करेंगे। अब देखो बच्चों, अब राउल्स लॉ का केस नंबर 2, राउल्स लॉ से क्वेश्चन आता है, राउल्स लॉ का केस नंबर 2, इफ ओनली वन लिक्विड इज वोलेटाइल, मतलब हम एक लिक्विड को नॉन वोलेटाइल मान लेते हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम एक लिक्विड को नॉन वोलेटाइल मान रहे हैं, मतलब एक वोलेटाइल है और एक नॉन वोलेटाइल है, तो जब आप एक लिक्विड को नॉन वोलेटाइल मानोगे तो जरा देखो क्या होगा, गौर से देखिएगा, नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है वेपर ना बनाना, नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है वेपर ना बनाना, मतलब ये वेपर फॉर्म नहीं कर रहा है, वेपर फॉर्म नहीं कर रहा है, ये वेपर फॉर्म नहीं कर रहा है, तो जब वेपर नहीं फॉर्म कर रहा है तो वेपर प्रेशर नहीं होगा, सॉल्वेंट क्या है, वोलेटाइल, ये वेपर फॉर्म कर रहा है, वेपर फॉर्म कर रहा है, तो टोटल प्रेशर की इक्वेशन अब क्या हो जाएगी, सीएचडी नंबर 3 देखो, टोटल प्रेशर की इक्वेशन क्या हो जाएगी, पीए नॉट काई बी, क्यों पीए की जगह क्या लिख दोगे, जीरो, तो जब पीए की जगह जीरो लिख दोगे तो पीटी इक्वल टू हो गया पीबी नॉट काई बी, पीटी इक्वल टू क्या हो गया, पीबी नॉट काई बी। अब देखो यहां पे नॉमनक्लेचर चेंज है, टोटल प्रेशर को हम कहते हैं प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्वेंट बी को मैंने क्या माना है, सॉल्वेंट माना है,
बी को क्या माना है, सॉल्वेंट। तो ये हुआ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट और ये हुआ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सिर्फ रिप्रेजेंटेशन चेंज किया है, वैल्यू वही है, आंसर वही है। क्यों? क्योंकि अब ए लिक्विड की वेपर नहीं है, अब सिर्फ लिक्विड बी वेपर बना रहा है, इसलिए मैंने पीटी को रिप्लेस कर दिया है पीएस से और पीबी नॉट को रिप्लेस कर दिया है पी नॉट से। ये देखो, अच्छा अब देखो काईबी की जगह क्या लिख सकते हो, काईबी की जगह लिख सकते हो 1 माइनस काईए। तो जब काईबी की जगह 1 माइनस काईए लिखोगे तो ये इक्वेशन आएगी, ये। अब इस इक्वेशन को देखो, पी नॉट माइनस पीएस इक्वल टू पी नॉट काईए। अब सारे बच्चे बस मुझे एक बात बताएंगे, गौर सुनना, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या निगेटिव हो सकती है? भाई मोल होंगे या नहीं होंगे? मोल फ्रैक्शन की वैल्यू निगेटिव हो सकती है? नहीं। प्रेशर की वैल्यू निगेटिव हो सकती है? नहीं। प्रेशर होगा या नहीं होगा? तो इसका मतलब ना तो ये निगेटिव वैल्यू रखता है ना ये निगेटिव वैल्यू रखता है, इसका मतलब क्या हुआ, सलूस, गौर सुना, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से जब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर माइनस करते हो तो पॉजिटिव वैल्यू आती है। क्यों? क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। फिर से पढ़ो, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से जब तुम सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर माइनस करते हो तो पॉजिटिव वैल्यू आती है, इसका मतलब पी नॉट बड़ा है और पीएस छोटा है। इसका मतलब क्या है, पी नॉट बड़ा है और पीएस छोटा है। इससे यह पता चला कि जब वोलेटाइल लिक्विड में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हो, जब वोलेटाइल लिक्विड में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हो तो वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। जब वोलेटाइल लिक्विड में देखो वैल्यू कम हो गई कि नहीं, ये क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, डाला किसमें, वोलेटाइल सॉल्वेंट में। तो देखो P नॉट माइनस पीएस इक्वल टू मोल फ्रैक्शन एक पॉजिटिव वैल्यू है, मोल फ्रैक्शन एक पॉजिटिव वैल्यू है और प्रेशर भी एक पॉजिटिव वैल्यू है, इसका मतलब ये एक पॉजिटिव वैल्यू है। तो ये कह रहे हो कि सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से जब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर माइनस कर रहे हो तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, इसका मतलब पी नॉट बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, और जितना ज्यादा सॉल्यूट मिलाओगे उतना ज्यादा वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा। क्यों? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, काईए के। काईए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो जितना ज्यादा सॉल्यूट मिलाओगे वेपर प्रेशर उतना ज्यादा डिक्रीज करेगा। अब इस चीज को पढ़ते क्या है, इस चीज को क्या पढ़ते हैं, तो इस चीज को साइंस की लैंग्वेज में कहा जाता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब कितना वेपर प्रेशर कम हो गया है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से कितना वेपर प्रेशर कम हो गया है, P नॉट माइनस पीएस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के बराबर। जितना ज्यादा सॉल्यूट मिलाओगे उतना ज्यादा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कम हो जाएगा, जितना ज्यादा सॉल्यूट मिलाओगे उतना ज्यादा वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। ये देखो, ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये वैल्यू कम बढ़ेगी, और ये वैल्यू बढ़ने का मतलब ये वैल्यू कम होना। क्यों? क्योंकि किसी प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर कॉन्स्टेंट होता है, तो यदि ये वैल्यू बढ़ रही है तो इसका मतलब ये वैल्यू कम हो रही होगी, क्योंकि ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। तो जितना ज्यादा अमाउंट मिलाओगे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उतना ही कम होता चला जाएगा। क्या ये बात क्लियर है सबको? क्या ये बात क्लियर है? यदि सारे बच्चों को ये बात क्लियर है तो जल्दी से यस यस लिखो और थम्स अप बनाओ। ये वाला पॉइंट क्लियर है या नहीं, क्योंकि ये पेपर में आएंगे ये सारे पॉइंट। ये वाला पॉइंट क्लियर है या नहीं, सारे बच्चे बताएं, सारे बच्चे बताएं। मानव, मानव कह रहा है नो। मानव बेटा कहां दिक्कत आ रही है, कहां दिक्कत आ रही है, ये पहले मैथ के हिसाब से समझो, मैथ के हिसाब से समझो। काईए एक पॉजिटिव वैल्यू, भाई मोल होंगे या नहीं होंगे, प्रेशर होगा या नहीं होगा, मतलब प्रेशर की लोएस्ट वैल्यू जीरो हो सकती है, मोल की लोएस्ट वैल्यू जीरो हो सकती है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू है। इसका मतलब आप सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से जब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर माइनस कर रहे हो तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये प्लस वाला बड़ा है और ये बड़ा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो रहा है, और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो रहा है, तो कितना कम हो रहा है, ये देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा सॉल्यूट मिलाओगे उतना ज्यादा डेविएशन बढ़ेगा। अब डेविएशन बढ़ने का मतलब ये वाली चीज तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये छोटा होता जा रहा होगा ना, इसीलिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया।
अब गौर से बात को समझो, यदि इस चीज को मैं नीचे ले आऊं तो ये ऐसे आ गया, तो ये ऐसे आ गया पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू का ये। इसी को राउल्ट्स लॉ कहा जाता है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का राउल्ट्स लॉ इसी इक्वेशन को कहा जाता है। और वो इक्वेशन क्या है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू का ये। इसको क्या बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब क्या हुआ, सारे बच्चे बताएं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब क्या हुआ, सिंपल लैंग्वेज में इसका क्या मतलब हुआ, पढ़ो। पढ़ो भाई, सिंपल लैंग्वेज में इसका क्या मतलब हुआ, देखो कितने फ्रैक्शन वेपर प्रेशर कम हो गया है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से, कितने फ्रैक्शन वेपर प्रेशर कम हो गया है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से, गौर सुनना। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 100 था, आपने 20 ग्राम सॉल्यूट मिलाया तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 90 हो गया, तो कितना कम हो गया, 100 माइनस 90 10, 10 कम हो गया, तो जो 10 कम हुआ उसको बोला जाता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब किसी ने पूछा कितने फ्रैक्शन कम हो गया है, तो देखो 100 था 90 रहा तो कितना कम हुआ 10, तो 10 डिवाइडेड बाई 100 तो 1/10 फ्रैक्शन प्रेशर कम हो गया। पहले वाले का कितना कम हो गया, कितने फ्रैक्शन, तो 10 डिवाइडेड बाई 100 मतलब 1/10 पार्ट कम हो गया है। वही है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब कितने फ्रैक्शन वेपर प्रेशर कम हो गया है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से। ये देखो अब फ्रैक्शन में 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज बन जाता है, फ्रैक्शन में 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज बन जाता है। तो अब ये क्या बोला जाएगा, कितने परसेंटेज वेपर प्रेशर कम हो गया है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से। जैसे कोई कह रहा है 20% वेपर प्रेशर कम हो जाता है जब 2 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला जाता है, इसका मतलब इसकी वैल्यू दी है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट की वैल्यू दी है। बात समझ पा रहा बेटा, सूरज क्वेश्चन में मेंशन करेगा, नहीं तो ना तो आपको सपने आएंगे ना हमें सपने आएंगे। भाई आप कैसे पहचानोगे, हम कैसे पहचानेंगे, तो सोल्यूशन में जब तक क्वेश्चन में वो मेंशन नहीं करेगा कि कौन नॉन वोलेटाइल है कौन वोलेटाइल है, तब तक ना तो क्वेश्चन तुम कर पाओगे ना हम कर पाएंगे, है ना, ठीक है। अच्छा ये बात समझ गए, अब इस बात को थोड़ा और आगे ले चलते हैं। अब जो मैं लिख रहा हूं और जो लिखा है उसको अच्छे से पढ़ो, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस काई ए अपॉन काई बी। देखो आपको मैंने अभी ये फार्मूला पढ़ाया है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू काई ए। देखो P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट लिखा है और मैंने यहां क्या लिखा है, P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी, यूनिवर्सल फार्मूला है। ये फार्मूला आईआईटी ने दिया था, हुआ क्या 2004 में आईआईटी में क्वेश्चन आया था तो बच्चों ने क्या किया, वो डायल्यूट सॉल्यूशन मान के ये फार्मूला लगा दिया P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, यहां पे क्या था काई ए, काई ए की जगह लिख दिया एन ए अपॉन एन बी, मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट को छोड़ दिया। भाई मोल ऑफ सॉल्यूशन क्या है, मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट को छोड़ दिया, क्यों, उन्होंने कहा सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूटेड है, सॉल्यूशन क्या है बहुत डाइल्यूटेड है। मगर आप ध्यान रखना, आपको यदि क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आप अपनी तरफ से डाइल्यूट नहीं मान सकते हो, तो आपको जब भी कैलकुलेशन इजी करना हो तो आप ये फार्मूला लगा दो, ये फार्मूला लगा दो, और ये यूनिवर्सल फार्मूला है, कहीं पर भी यूज कर सकते हो, डाइल्यूट में भी यूज कर सकते हो और कंसंट्रेट में भी यूज कर सकते हो, दोनों में यूज कर सकते हो, सॉल्यूशन चाहे जैसा हो। तो ध्यान रखना आप हमेशा ये फार्मूला यूज करोगे, ये नहीं, ये तब यूज होता है जब सॉल्यूशन डाइल्यूटेड हो, नहीं तो आप हमेशा ये यूज करोगे। क्लियर, इतनी बात क्लियर है सब बच्चों को, और यदि इतनी बात क्लियर है तो इधर आ जाओ। अब मैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन करने जा रहा हूं, देखो इसी को कैसे लिख सकते हो, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट एन ए अपॉन एन बी।
अब जो मोल का रेशियो होता है वही मोल फ्रैक्शन का रेशियो होता है, पीछे पढ़ाया है, तो काई ए अपॉन काई बी भी लिख सकते हो। इसको खोल दोगे तो ये लिख सकते हो, और इसकी जगह क्या लिख सकते हो, मैंने अभी पीछे फार्मूला लिखा था, ये लिख सकते हो मोल फ्रैक्शन का रेशियो मोलरिटी इंटू मॉलिकुलर वेट अपॉन सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई 1000, मोलरिटी इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई 1000। तो ये फार्मूला भी याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चनों में यूज होंगे, सारे क्वेश्चनों में यूज होंगे। अब इन पर बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, अब इन पर बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। जरा इस क्वेश्चन को पढ़ो, जरा इस क्वेश्चन को सारे बच्चे पढ़ें और करके देखें। देखो, द वेपर प्रेशर एट ए गिवन टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल सोल्यूशन कंटेनिंग 0.2 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एंड 0.8 मोल ऑफ सॉल्वेंट इज इतना। अब ये क्या दिया है, ये दिया है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। आप चेक करो, आपको क्या दिया है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एट द सेम टेम्परेचर। आपको पी नॉट की वैल्यू निकालनी है और पीटी पीएस दिया है। द वेपर प्रेशर एट ए गिवन टेम्परेचर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.2 मोल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, और 0.8 मोल सॉल्वेंट। तो अब कैसे लगाओगे, आप ऐसे लगा दोगे पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस एन ए अपॉन एन बी। क्यों, क्योंकि हमें नहीं पता है कि सॉल्यूशन डाइल्यूटेड है या कैसा है। तो ये तो यूनिवर्सल फार्मूला है, हर जगह लग जाएगा, लगा दो। पी नॉट की वैल्यू निकालनी है, पी एस की वैल्यू 100, पी एस की वैल्यू 60, एन ए की वैल्यू 0.2, इसकी वैल्यू 0.8, तो ये क्या आ गया 1/4। तो 4 पी नॉट, 6 × 24, तो ये क्या हो गया 4 पी नॉट इक्वल टू 280। तो पी नॉट इक्वल टू 280 डिवाइडेड बाई 4, 70 आ गया। ऐसा कहीं दिया है, देखो जरा 7 × 28, चेक करो क्या कहीं ऐसा दिया है, देखो 0.2 0.8। अब देखना बच्चों, ये क्वेश्चन का आंसर आप चेक करो, नहीं मिला, मैंने लगाया देखो आंसर नहीं मिल रहा है। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो, 6 × 24 सही है, और 60, 24 और 60 कितना होता है 300 होता है, ये गलत लिखा है, 300 यहां पे गलती थी, 7 × 28, 5 × 20, ये देखो। हाँ, यस यस, बच्चों ने सही बताया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत सही। अब इस क्वेश्चन को करिए, अब इस क्वेश्चन को करो, देखो अब बच्चों हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एट ए सर्टेन टेम्परेचर इज इतना। बेंजीन का वेपर प्रेशर दिया है, ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ए नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट वेट इतने ग्राम इज एडेड टू इतने ग्राम बेंजीन इफ द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इतना। तो ये पीएस है। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, तो मैंने क्या किया पी नॉट माइनस पीएस अपॉन पीएस इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी। अब देखना आंसर मैच नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इन्होंने डाइल्यूट सॉल्यूशन वाले फार्मूले से लगाया है, और वो क्वेश्चन का करने का तरीका गलत है, वो क्वेश्चन करने का तरीका गलत है, ध्यान रखना। अब इसकी वैल्यू कितनी दी है 650, इसकी वैल्यू कितनी दी है 600। आप देखो मैं लगा रहा हूं, देखना आंसर मैच नहीं करेगा, और आंसर क्यों नहीं मैच करेगा, इसलिए नहीं मैच करेगा क्योंकि उन्होंने क्या किया है, इस क्वेश्चन को डाइल्यूट सॉल्यूशन मान के किया है, जितना मुझे याद आ रहा है, जितना मुझे याद आ रहा है। बेंजीन का कितना है बच्चों, बेंजीन का होता है 78, और इसका हमें निकालना है। अब बच्चों इसको सॉल्व करो, आप देखो मैं सॉल्व कर रहा हूं, गौर से देखिएगा, इसको मैं इधर ले आया, ठीक है, तो ये आया 2.5
175 × 78 × 600, ठीक है, डिवाइडेड बाय 39.08 डिवाइडेड बाय 40, तो ये आ रहा है 65.11। अब देखो क्या ऐसा कोई आंसर है, देखो नहीं आंसर है, 65 आंसर है ही नहीं। देखो है ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि हमने क्वेश्चन सही किया है। अभी देखो अब आंसर मैं मैच करा देता हूं, मगर आप पेपर में ऐसा मत करना, ये 2099 का क्वेश्चन है, लोगों ने बिल्कुल वही छाप रखा है। क्या पूरे सोल्यूशन में कहीं लिखा है कि ये डाइल्यूट सोल्यूशन है? नहीं। तो उन्होंने क्या किया है, इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर दिया है। ये देखो अभी देखो आंसर मैच हो जाएगा, देखना बच्चों, डाइल्यूट सोल्यूशन मान के सॉल्व कर दिया है, ये डाइल्यूट सोल्यूशन का फार्मूला लगा दिया है। ये देखो अब देखो ये हुआ 640, ये हुआ 2.175, 39.08, और ये हुआ 78, और ये निकालना है। अब देखो बच्चों, अब देखो आंसर मैच हो जाएगा। अरे हथियार किधर है, आओ अब देखना आंसर मैच हो जाएगा। करो बच्चों 2.175 × 78 × 640 डिवाइडेड बाय 39.08 डिवाइडेड बाय 40। अब देखो आ गया 69.45। अब देखना कोई ना कोई आंसर मैच कर गया होगा। ये देखो है, यस, समझ पाए? तो ये रॉन्ग लगा है, ये रॉन्ग है, इसको मत करिए। क्यों? कहीं नहीं बोला गया है कि डाइल्यूट सोल्यूशन है, ये राइट है, इसको करिए। वो बात अलग है, आंसर मैच नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि इस क्वेश्चन को डाइल्यूट सोल्यूशन मान के कभी किया गया होगा फ्यूचर पास्ट में, पास्ट में इस क्वेश्चन को उन्होंने डाइल्यूट सोल्यूशन मान के किया है, और पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं लिखा है। तो अब क्वेश्चन आए तो आप इससे करिएगा, ध्यान रखिए, उससे मत करिएगा। बार बार मैं ये बात बता रहा हूं, क्या मेरी ये बात समझ में आई है सबको? यस या नो? सारे बच्चे इस बात का जवाब दें, क्या ये मेरी बात समझ में आई है? यदि सारे बच्चों को समझ में आई है तो जल्दी से यस 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 टाइप कर दे। क्या मेरी बात ये सबको समझ में आई है? जल्दी से समझ में आई है तो यस 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 टाइप कर दे। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अब बात करते हैं इसकी, वांट ऑफ फैक्टर की। देखो वांट ऑफ फैक्टर की बात क्या है, आप जब सलूट को पानी में डालते हो तो सलूट एसोसिएट भी होता है, डिसोसिएट भी होता है, और कुछ भी नहीं होता। जैसे NaCl को पानी में डालो तो एक मालिक्यूल डाल रहे हो, तो कितने सलूट डाल रहे हो? एक। अंदर गए तो कितने हो गए? दो, एक कैटायन एक एनायन। तो इसका मतलब पानी में जाने पर डिसोसिएशन कर रहा है। अच्छा अब आप किसको डालो? शुगर को, ग्लूकोज को या शुगर को। शुगर के मालिक्यूल डिसोसिएट होते हैं? नहीं, कुछ नहीं होता है। मतलब एक मालिक्यूल मैंने ग्लूकोज का डाला तो पानी में भी कितना रहेगा? एक ही रहेगा। पानी में भी कितना रहेगा? एक ही रहेगा, ना तो बढ़ेगा और ना घटेगा, ठीक। अच्छा अब दूसरा लो, एस्टिक एसिड को बेंजीन में डालो, पानी में नहीं। एस्टिक एसिड बेंजीन में एसोसिएट होता है, पानी में डिसोसिएट होता है। पानी में आप एस्टिक एसिड को कैसे ब्रेक करते हो? एसीटेट आयन प्लस एच आयन। मगर वही एस्टिक एसिड को यदि नॉन पोलर सॉल्वेंट में डाला जाए, बेंजीन में डाला जाए, तो एस्टिक एसिड के दो मॉलिक्यूल जुड़कर डाइमर बना देते हैं, मतलब एसोसिएशन करते हैं। तो होता क्या है कि जो सलूट के मॉलिक्यूल है वो चेंज होते रहते हैं पानी के अंदर, इसीलिए एक नंबर की जरूरत पड़ती है जिसको हम कहते हैं वांट ऑफ फैक्टर। और वो वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है, कैसे काम करता है, जरा इस बात को समझिए। सलूट डिजॉल्व इन वाटर, जब सलूट को सॉल्वेंट में डालते हो तो क्या क्या होता है? केस नंबर वन, ना तो एसोसिएशन करता है ना डिसोसिएशन करता है, पहली पॉसिबिलिटी ये है।
तो यदि एसोसिएशन और डिसोसिएशन कुछ नहीं कर रहा है तो आई की वैल्यू वन रखोगे। और कौन कौन मॉलिक्यूल है, हाइड्रोकार्बन कार्बोहाइड्रेट, इनका आई क्या है वन, क्यों, ना तो ये एसोसिएट होते हैं ना डिसोसिएट। तो बताओ बेंजीन का आई कितना रखोगे, जल्दी से आंसर दो। यूरिया का आई कितना रखोगे, जल्दी से आंसर दो। ग्लूकोज का आई कितना रखोगे, जल्दी से आंसर दो। सारे बच्चे आंसर दें, बेंजीन का आई कितना रखोगे आंसर दो, यूरिया का आई कितना रखोगे आंसर दो, ग्लूकोज का आई कितना रखोगे आंसर दो। क्या बेंजीन को आप डिसोसिएट कराते हो पानी में किसी साल्वेंट में, नहीं, क्यों, क्योंकि हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन कार्बोहाइड्रेट ना तो एसोसिएट होते ना डिसोसिएट। तो इनके आई कितना रखोगे, वन वन वन। अच्छा केस नंबर टू, यदि सल्यूट पार्टिकल क्या हो रहा हो, डिसोसिएट, यदि सल्यूट पार्टिकल पानी में डिसोसिएट होगा तो उसका फार्मूला ये आएगा, I इक्वल टू वन प्लस एन माइनस वन इंटू अल्फा। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डीओडी। अब जरा देखो, यदि 100% डिसोसिएशन माना जाए तो I और N आपस में बराबर होते हैं, यदि 100% डिसोसिएशन माना जाए तो I और N आपस में बराबर होते हैं, वन से वन कट जाएगा यदि इसकी वैल्यू वन डाल दो। क्लियर है, यस 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 यस। अब देखो ऐसा कौन करता है, एसिड बेस सॉल्ट, एसिड को पानी में डालो, HCl को पानी में डालो, डिसोसिएट हो जाता है, NaOH को पानी में डालो, डिसोसिएट हो जाता है, NaCl को पानी में डालो, डिसोसिएट हो जाता है, ऐसे है। तो ये फार्मूला लगाओगे। अब देखो यदि सल्यूट एसोसिएशन कर रहा है पानी में जाने पर, वो क्या कर रहा है, जुड़ रहा है, तो फार्मूला क्या होगा, बस इसी n को 1 अपॉन n कर देना, I इक्वल टू वन प्लस वन अपॉन n माइनस वन इंटू अल्फा। और यदि अल्फा 100% एसोसिएशन हो रहा है तो I की वैल्यू 1 अपॉन n के बराबर होगी। अब देखो यहां पर I होता है 1, यहां पर I ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है, क्यों, जुड़ टूट रहा है, और यहां पर I ऑलवेज लेस देन 1 होता है। तो जब कुछ नहीं हो रहा होगा तो I हमेशा 1 होगा, जब डिसोसिएशन हो रहा है तो I की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी, और जब एसोसिएशन होगा तो I की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगी, और जब एसोसिएशन होगा तो I की वैल्यू हमेशा लेस देन 1, डिसोसिएशन में हमेशा ग्रेटर देन 1, एसोसिएशन में हमेशा लेस देन 1, और जब एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं हो रहा है तो आई की वैल्यू हमेशा 1, आई की वैल्यू हमेशा 1। क्लियर है। अब इसमें बताओ, ये क्वेश्चन करो, 2016 का क्वेश्चन है, सारे बच्चे इसका आंसर बताएं, सारे बच्चे इसका आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर दो बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर दो। द वांट ऑफ फैक्टर फॉर ए डायल्यूट इक्वस सोल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड जानते हो, BaOH का होल ट्वाइस, जब पानी में जाएगा तो कैसे ब्रेक होगा, देखो N कितना होता है, कितने आयन फॉर्म हुए, एक मोल से कितने आयन फॉर्म हुए, एक और दो, N इक्वल टू तीन, तो I इक्वल टू भी क्या होगा, तीन, 100% डिसोसिएशन मान के चल रहे हैं, तो I इक्वल टू भी क्या होगा, तीन, I इक्वल टू क्या होगा बच्चों, तीन, क्यों, क्योंकि 100% हम डिसोसिएशन मान के चल रहे हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड का जीरो नहीं होगा, पलक पलक संकल्प सोनी सब लोग गलत लिख रहे हो, जीरो क्यों होगा यार, बेरियम हाइड्रोक्साइड बेस है, और बेस है तो डिसोसिएट नहीं होगा, बेस है तो डिसोसिएट नहीं होगा, बेरियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला ये होता है, कितने आयन है, दो और एक तीन आयन है। चलो अब इसको करो, इसको करो सारे लोग, इस क्वेश्चन को करिए, द वांट ऑफ फैक्टर आई फॉर ए कंपाउंड विच अंडरगो डिसोसिएशन इन वन सॉल्वेंट एसोसिएशन इन अदर सॉल्वेंट, यदि डिसोसिएशन है तो
तो आई ग्रेटर देन वन, एसोसिएशन है तो आई लेस देन वन। तो डिसोसिएशन में ग्रेटर देन वन, एसोसिएशन में लेस देन वन। तो डिसोसिएशन में क्या होगा, ग्रेटर देन वन, एसोसिएशन में लेस देन वन। अब इसको करो, क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट्स हैज द सेम वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर एज दैट ऑफ इथेनॉल। वो कह रहा है जितना वांट ऑफ फैक्टर एल्युमिनियम सल्फेट का होता है उतना ही वांट ऑफ फैक्टर इनमें से किसका है। तो एल्युमिनियम सल्फेट में कितना वांट ऑफ फैक्टर होगा, दो एल्युमिनियम है और तीन सल्फेट है, तो टोटल कितना हुआ, पांच। तो आई इक्वल टू एन के बराबर, एन कितना है, पांच। तो अब इसमें देखो, दो पोटेशियम है एक सल्फेट, तो आई इक्वल टू तीन। तीन पोटेशियम है और एक कॉम्प्लेक्स आयन, आई इक्वल टू चार। एक एल्युमिनियम है और तीन नाइट्रेट आयन, आई इक्वल टू चार। चार पोटेशियम है एक कॉम्प्लेक्स आयन, आई इक्वल टू पांच। तो पूछ रहा है सेम आई किसमें है, तो आई इक्वल टू पांच किसमें, डी में। आई इक्वल टू पांच किसमें, डी में, यस यस। अब जरा देखो बच्चों, ये बात आप बहुत अच्छे से समझिएगा, आपको मैं लिख के दे रहा हूं, आप सभी बच्चों को लिख के दे रहा हूं, चार नंबर यहां से आएंगे, फोर मार्क्स आउट है आपके, आउट है। मैं लिख के दे रहा हूं, पेपर में ये क्वेश्चन आएगा, इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, आपको करना होगा, करने की जिम्मेदारी आपकी है, मगर आएगा, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। आप देख लीजिएगा, मैं फिर ये बात लेके आऊंगा, 5 मई को पेपर है तो 6 मई को लेके आऊंगा, आप देखना। अब गौर से देखो, बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्या क्या है, देखो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का फार्मूला होता है डेल्टा टीबी इक्वल टू, डेल्टा टीबी इक्वल टू आई केबी एम, डेल्टा टीबी इक्वल टू आई केबी एम। डेल्टा टीबी क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टीबी क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, मतलब नॉन वोलेटाइल सलूट मिलाने से कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है, नॉन वोलेटाइल सलूट मिलाने से कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है। तो देखो डेल्टा टीबी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट के बराबर होता है। डेल्टा टीबी आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डेल्टा टीबी केबी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डेल्टा टीबी मोलल्टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल है, तो डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल है तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन भी प्रोपोर्शनल है। क्यों, क्योंकि किसी सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट होता है। यदि ये चीज बढ़ रही है तो ये चीज बढ़ रही होगी, क्यों, ये तो कॉन्स्टेंट है ना, तो ये कैसे बढ़ेगा, जब तक ये नहीं बढ़ेगा तब तक ये नहीं बढ़ेगा। यदि ये घट रहा है तो ये भी घटेगा, इसलिए यदि डेल्टा टीबी आई के प्रोपोर्शनल है तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन भी आई के प्रोपोर्शनल है। डेल्टा टीबी केबी के प्रोपोर्शनल है तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन भी केबी के प्रोपोर्शनल है। डेल्टा टीबी एम के प्रोपोर्शनल है तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन भी एम के प्रोपोर्शनल है। अब गौर से समझिएगा, यदि एम के प्रोपोर्शनल है तो मॉलिक्यूलर वेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्यों, स्मॉल एम इक्वल टू क्या होता है, मोल अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मोल इक्वल टू होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट के यदि इनवर्सली प्रोपोर्शनल डेल्टा टीबी है तो मॉलिक्यूलर वेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन भी होगा। केबी क्या होता है, केबी ओनली डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, केबी एक कॉन्स्टेंट है जिसकी वैल्यू सिर्फ सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करेगी, ध्यान रखना। यदि सॉल्वेंट चेंज नहीं हो रहा है तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये सलूट पे डिपेंड नहीं करता है, ये क्या है, सलूट पे डिपेंड नहीं करता है। ध्यान रखिएगा, ये सलूट पे डिपेंड नहीं करता है, केबी की वैल्यू सिर्फ सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है, इस बात का विशेष ध्यान रखे सारे बच्चे। अब यही चीज यहां आ जाओ, देखो फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ इक्वल टू आई केएफ एम। डेल्टा टीएफ क्या है, ये है डिस्पर्सन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट कितना कम हुआ है,
फ्रीजिंग पॉइंट कितना कम हुआ है। डिस्पर्सन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि फ्रीजिंग पॉइंट कितना कम हुआ है। तो देखो ये क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। अब इसकी वैल्यू जो होती है, ध्यान रखना बच्चों, निगेटिव होती है, इसकी वैल्यू निगेटिव है। तो निगेटिव है तो ये तो कॉन्स्टेंट है, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट तो कॉन्स्टेंट होता है। इसका मतलब ये वैल्यू डिक्रीज करेगी तो ये वैल्यू इंक्रीज करेगी, क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू निगेटिव है। तो ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे। डिफरेंस बात का समझिएगा नहीं तो फंस जाओगे। ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा निगेटिव होती है वाटर के केस में। तो जब इसकी वैल्यू निगेटिव है तो इसकी वैल्यू जब बढ़ेगी इसका मतलब ये कम हो रहा होगा। तो देखो डेल्टा टी एफ आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डेल्टा टी एफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डेल्टा टी एफ एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मगर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन उल्टा लिखा है। ये देखो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन के एफ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन मोलरिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्यों? ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं क्योंकि डेल्टा टी एफ की वैल्यू निगेटिव है, निगेटिव होने की वजह से ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यदि डेल्टा टी एफ की वैल्यू बढ़ेगी तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज करेगा, ध्यान रखिएगा। तो इस पॉइंट को जरा यहां देखो, इस पॉइंट को जरा यहां देखो, ठीक है, बाकी सब सेम है। डेल्टा टी एफ इज निगेटिव वैल्यू, अच्छा, डेल्टा टी एफ ऑफ सॉल्यूशन मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जिस तरह से केबी सिर्फ नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है, उसी तरह से केएफ भी सिर्फ नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है। मतलब सॉल्यूट से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये सॉल्यूट पर डिपेंड नहीं करता है, ये सॉल्यूट पर डिपेंड नहीं करता है दोनों। अब यदि ये बातें समझ गए हो तो बच्चों अब इसके क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 2017 का क्वेश्चन, गौर से देखिए इस क्वेश्चन को। इफ मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूट, इफ मोलरिटी ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डबल, मोलरिटी को डबल कर दिया गया है, द वैल्यू ऑफ मोलल डिस्पर्सन कॉन्स्टेंट केएफ विल बी, केएफ की वैल्यू में क्या इफेक्ट आएगा बताओ। तो केएफ किस पर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पे कि सॉल्वेंट पे, सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। तो क्या सॉल्वेंट का नेचर चेंज किया जा रहा है, सॉल्वेंट के नेचर पे, अमाउंट पे नहीं, सॉल्वेंट के नेचर पे। तो क्या सॉल्वेंट चेंज किया जा रहा है, जो सॉल्वेंट पहले था वही सॉल्वेंट अभी भी है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, अनचेंज, इसकी वैल्यू चेंज ही नहीं होगी। प्रभु बा अभी लिख के आए, हम बहुत मारेंगे दौड़ा दौड़ा के सबको, देखो अंडरलाइन तक किया है, ओनली डिपेंड अपॉन नेचर, नेचर अमाउंट नहीं, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ओनली डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो भाई नेचर कहां चेंज किया जा रहा है, नेचर कहां चेंज किया जा रहा है, इसको करो। अच्छा ये सेम क्वेश्चन है, इसको HW डाल देता हूं, वही क्वेश्चन है बस टाइपिंग अलग अलग तरीके से है, इसको करो। ये 2020 का क्वेश्चन है, करिए, ये 2020 का क्वेश्चन है, इसको करो। द फ्रीजिंग पॉइंट डिस्पर्सन कॉन्स्टेंट ऑफ बेंजीन इज इतना, द फ्रीजिंग पॉइंट डिस्पर्सन फॉर द सॉल्यूशन ऑफ मोलरिटी इतना कंटेनिंग ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन बेंजीन, बताओ। अब वो क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है द फ्रीजिंग पॉइंट डिस्पर्शन, डेल्टा टी एफ की वैल्यू पूछ रहा है। तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई के एफ एम। अब आई की वैल्यू बच्चों कितनी लिखी जाए, अब क्या आपको सॉल्यूट के बारे में कुछ बताया है, देखो द फ्रीजिंग पॉइंट डिस्पर्शन कॉन्स्टेंट ऑफ बेंजीन इज दिस, द फ्रीजिंग पॉइंट डिस्पर्शन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ मोलरिटी इतनी कंटेनिंग नॉन इलेक्ट्रोलाइट, मतलब आई इक्वल टू वन है, मतलब वो डिसोसिएट नहीं होता है, आई इक्वल टू वन, के एफ की वैल्यू और मोलरिटी, अब इसको कैलकुलेट कर लो, तो 5.12 इंटू 0.078, तो ये वैल्यू आ रही है 0.399, मतलब 4,
कर लोगे। अब इसको करो, 2015 का क्वेश्चन है सीबीएसई, 2015 सीबीएसई। अब इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करिए। क्या है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.2 मोलल सॉल्यूशन ऑफ एक्स इन वाटर इज ग्रेटर देन, इसका इज ग्रेटर देन इक्यूमोलर सॉल्यूशन ऑफ वाई। वो कह रहा है बॉइलिंग पॉइंट एक्स का ज्यादा है बॉइलिंग पॉइंट वाई से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन दिस केस, एक्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है वाई से, और जबकि फार्मूला तो दोनों का सेम है, डेल्टा टी बी इक्वल टू आई के बी एम, कंसंट्रेशन दोनों का सेम है, के बी दोनों का सेम है, क्यों, दोनों इक्वल सॉल्यूशन है, दोनों में वाटर है, तो आई पे चला जाता है। यदि किसी का डेल्टा टी बी ज्यादा है, क्योंकि डेल्टा टी बी ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, यदि किसी का बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ज्यादा है इसका मतलब उसका आई ज्यादा होगा, इसका मतलब एक्स वाला जो है वो डिसोसिएट हो रहा होगा, एक्स वाला क्या है डिसोसिएट हो रहा होगा, एक्स क्या है डिसोसिएट हो रहा होगा। बात समझ पा रहे हो भाई, दोनों का कंसंट्रेशन सेम है, के बी क्या है सिर्फ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, इसका सॉल्यूट से लेना देना नहीं है, तो सॉल्वेंट दोनों में सेम है, दोनों वाटर है, दोनों को वाटर में डाला गया, तो फिर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एक्स कैसे ज्यादा हो सकता है, तो फिर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एक्स कैसे ज्यादा हो सकता है, एक ही रास्ता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एक्स इसी वजह से ज्यादा हो सकता है, क्यों, क्योंकि उसने डिसोसिएशन किया हो, डिसोसिएशन करने से आई की वैल्यू अलग अलग आएगी। अब इस क्वेश्चन को करो, देखो, ऑफ द फॉलोइंग 0.1 mm इक्वस सॉल्यूशन विच वन विल एग्जिबिट, अब गौर समझना, लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिस्पर्शन, मतलब डेल्टा टी एफ पूछ रहा है लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिस्पर्शन आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और यदि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछता तो आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वो लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिस्पर्शन पूछ रहा है। अब कंसंट्रेशन सबका सेम है भाई, फार्मूला क्या है ये, कंसंट्रेशन सबका सेम, के एफ सबका सेम, क्यों, सबके सब इक्वल सॉल्यूशन है, तो जिसका आई ज्यादा उसका डेल्टा टी भी, आई कितना है दो, दो आयन है, इसका आई कितना है वन, कार्बोहाइड्रेट का वन होता है, इसका आई कितना है पांच, दो और तीन, इसका आई कितना है तीन, दो पोटेशियम एक सल्फेट, दो पोटेशियम एक सल्फेट, क्लियर है सबको, सभी बच्चों को यह बात क्लियर है कि नहीं, यदि सभी बच्चों को एक बात क्लियर है तो चला इस क्वेश्चन पे मैं चलता हूं, यह क्वेश्चन काफी अच्छा है। यस बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड, इस क्वेश्चन पे आओ, ए 0.002 mm इक्वल सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड सीओ NH3 होल 5 NO2 Cl फ्रीज एट इतने डिग्री सेंटीग्रेड, नंबर ऑफ मोल ऑफ आयंस विच वन मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड प्रोड्यूस ऑन बीइंग डिसॉल्व इन वाटर विल बी, मतलब n की वैल्यू पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कितने आयन आएंगे एक मॉलिक्यूल को डिसोसिएट कराने पर, और n की वैल्यू पूछ रहा है, तो n और i बराबर होते हैं, यदि अल्फा 100% हो तो, n और i बराबर होते हैं यदि अल्फा 100% हो। इसने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि अल्फा को आप कुछ मानो, जब कुछ नहीं कहा जाए तो अल्फा अपनी तरफ से 100% पड़ता है, तो इसका मतलब आई की वैल्यू निकालनी है, तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई के एफ एम, आई डेल्टा टी एफ की वैल्यू ये आई निकालना है, के एफ की वैल्यू ये दी है, एम की वैल्यू वो दी है, आई की वैल्यू निकाल लो, तो हथियार किधर है, 0.00732 डिवाइडेड बाई 1.86 डिवाइडेड बाय 0.002,
तो I की वैल्यू आ रही है 1.96, मतलब अप्रोक्सीमेट टू मतलब दो आयन आएंगे। यस 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 यस, वेरी गुड बच्चों, बहुत सही बेटा, वेरी गुड। मतलब दो आयन आएंगे। अब जरा इस बात को देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हम लोग बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की, तो जरा सारे बच्चे बताएं ऑस्मोसिस क्या होती है। देखो ऑस्मोसिस क्या होती है, ऑस्मोसिस क्या होती है, मोशन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल माइग्रेट करेंगे, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल माइग्रेट करेंगे किधर से किधर, हाई कंसंट्रेशन, सॉरी उल्टा लिखा है, ये उल्टा लिखा है, लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की ओर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव करेंगे, और थ्रू एसपीएम, एसपीएम के थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस क्या होता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से रिमूव करते हैं, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल मूव नहीं करते, कहां से कहां की ओर, लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की ओर। किसी ने पूछा सॉल्यूट मॉलिक्यूल क्यों नहीं मूव करते, क्योंकि वो लार्ज साइज के होते हैं, जिसकी वजह से वो एसपीएम से पार नहीं पा पाते, एसपीएम के आर पार नहीं जा पाते, क्योंकि वो लार्ज साइज के होते हैं। अच्छा अब अगला पॉइंट आओ, गौर सुनना क्या लिखा है, सॉल्यूट मॉलिक्यूल रिएक्शन नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि वो एसपीएम के आर पार नहीं जा पाते हैं, तो जब वो एसपीएम के आर पार नहीं जा पाएंगे तो वो रिएक्शन भी नहीं करेंगे। जब इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होगा, लगातार सॉल्वेंट जा रहा है, तो एक समय आएगा कि उनके बीच में इक्विलिब्रियम आ जाएगी, तो जब इक्विलिब्रियम आएगी तो एक दूसरे पहले वाले सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन दूसरे वाले सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के बराबर आ जाएगा। जब दोनों के कंसंट्रेशन आपस में बराबर आ जाएंगे तभी तो इक्विलिब्रियम आएगी, बताओ, अरे बताओ ना भाई, इक्विलिब्रियम कब आएगी, ये सॉल्यूशन इधर जा रहा है कब तक जाएगा, जब तक दोनों के कंसंट्रेशन आपस में बराबर नहीं हो जाते। तो इक्विलिब्रियम पर दोनों के कंसंट्रेशन आपस में बराबर होंगे, सॉल्यूट मॉलिक्यूल दोनों सॉल्यूशन के आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ना तो ब्रेन के इधर वाला उधर जा पा रहा है ना उधर वाला सॉल्यूट इधर आ पा रहा है, तो जब आसपास आ ही नहीं पाएंगे तो रिएक्शन कैसे करेंगे। अच्छा ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, जरा देखो, ऑस्मोसिस को स्टॉप करने के लिए हाई कंसंट्रेशन की साइड में जो प्रेशर एग्जर्ट कराते हैं उसी को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ऑस्मोसिस को रोकने के लिए हाई कंसंट्रेशन की साइड में जो प्रेशर आप अप्लाई कराओगे, ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकने के लिए हाई कंसंट्रेशन की साइड में जो प्रेशर आप एग्जर्ट कराओगे उस प्रेशर को ही ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ऑस्मोसिस को स्टॉप करने के लिए हाई कंसंट्रेशन की साइड में जो प्रेशर एग्जर्ट कराओगे उसी को ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। कितना होगा, पाई इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ लो कंसंट्रेशन माइनस वेपर प्रेशर ऑफ हाई कंसंट्रेशन। लो कंसंट्रेशन वाले साइड का वेपर प्रेशर माइनस हाई कंसंट्रेशन वाले साइड के वेपर प्रेशर के डिफरेंस के बराबर होगा, कौन, ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसका फार्मूला होता है पाई इक्वल टू आई सी आर टी। आई वन टॉप फैक्टर है, कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मॉलिक्यूलर वेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्यों, क्योंकि सी क्या है, मोल पर लीटर, और मोल को खोलोगे तो क्या आएगा, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यदि दो सॉल्यूशन आइसोटोनिक है, आइसोटोनिक का मतलब उनके पाई आपस में बराबर है, और पाई बराबर होंगे तो आई वन सी वन इक्वल टू आई सू टी सी। रिवर्स ऑस्मोसिस कब होगी, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उससे ज्यादा प्रेशर यदि सॉल्यूशन पे लगा दिया जाए तो उल्टी डायरेक्शन में ऑस्मोसिस होने लगती है, इसी को कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। क्यों, ऑस्मोसिस हमेशा चलती है हाई प्रेशर से, हाई वेपर प्रेशर से लो वेपर प्रेशर की ओर, वेपर प्रेशर के फॉर्म में। तो तुम्हें क्या करना है, यदि इधर का इधर वेपर प्रेशर ज्यादा लगा दोगे, तुमने ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर डाल दिया तो ऑस्मोसिस उल्टी डायरेक्शन में बहने लगेगी। अब 2021 का क्वेश्चन देखो, 2021 का क्वेश्चन देखे सारे बच्चे अच्छे से देखो,
अच्छे से, द फॉलोइंग सोल्यूशन वे आर प्रिपेयर्ड बाई डिजोल्विंग 10 ग्राम ग्लूकोज 250 ml ऑफ वाटर। देखो मारी मास और पानी, 10 ग्राम यूरिया मास सेम है और वैल्यूम भी सेम है, 10 ग्राम सुक्रोज मास सेम है वैल्यूम भी सेम है। द राइट ऑप्शन फॉर डिक्रीजिंग द ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, बाई ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो ये होता है, सबका आई सेम है, सबका टी सेम है, आर तो कॉन्स्टेंट होता है, और सिर्फ वेरिएबल क्या है, मॉलिक्यूलर वेट वेरिएबल है। सबके मास सेम है, सबके वॉल्यूम सेम है, चेक करो, सबके 10-10 ग्राम है, सबको 250 ml पानी में डाला गया है, सिर्फ नाम अलग अलग है, ये ग्लूकोज है, ये यूरिया है और ये सुक्रोज है, मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग है। और यदि मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग है तो मॉलिक्यूलर वेट जिसका कम होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट 60, तो यूरिया का सबसे ज्यादा, फिर सुक्रोज ग्लूकोज का 180, और मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा किसका है, सुक्रोज का, तो प्रेशर सबसे कम, तो P2, P1, P3, यस 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 यस, बहुत सही। अभी मैं लिख के आया हूं, ये देखो, ये देखो, ये कॉन्सेप्ट देखो, ये लिखा है, यदि सब कुछ सेम है तो मॉलिक्यूलर वेट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इस क्वेश्चन को करो, 2006 में आया है, करिए। ड्यूरिंग ऑस्मोसिस फ्लो ऑफ वाटर थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज, अब बताओ फ्लो किधर होता है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर, फ्रॉम सोल्यूशन हैविंग हाई कंसंट्रेशन ओनली, फ्रॉम बोथ साइड ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन विद इक्वल रेट, नहीं, बोथ साइड ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन विद अनइक्वल रेट, फ्रॉम सोल्यूशन हैविंग लो कंसंट्रेशन ओनली, ड्यूरिंग ऑस्मोसिस फ्लो ऑफ वाटर थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज, फ्रॉम हैविंग लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, है ना, वैसे ये वाला ज्यादा सही है, पहले ये भाई जो सॉल्वेंट का पानी है उसको मना थोड़ी कर दोगे हाई कंसंट्रेशन में, नहीं तुम इधर मत आना, वो भी इधर आएगा, बस दो मॉलिक्यूल इधर आएंगे, 100 मॉलिक्यूल उधर जाएंगे, तो अनइक्वल रेट से माइग्रेट कर रहे होंगे। अब ये क्वेश्चन देखो, ए सॉल्यूशन कंटेन 10 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ यूरिया इज आइसोटोनिक विद 5% सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यदि दो सॉल्यूशन आइसोटोनिक हैं तो उनके प्रेशर आपस में बराबर होंगे, मतलब I1C1 इक्वल टू I2C2। अब यूरिया का I1 और यूरिया का कंसंट्रेशन ये दिया है 10 मोल, ये देखो ग्राम लिखा है, इसको मोल बनाओ, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब का मतलब लीटर हो गया, तो मोल पर लीटर कंसंट्रेशन। अब इसका I कितना होगा, 5% ये है, अब I मुझे पता नहीं है, वो क्या कह रहा है 5% सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, द मॉलिक्यूलर मास, अच्छा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है और साथ साथ में नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। आलोक कंफ्यूज कर दिया सर, बताओ क्या कंफ्यूजन है, आलोक बताओ क्या कंफ्यूजन है, भाई दो सॉल्यूशन आइसोटोनिक है तो I1C1 इक्वल टू I2C2, यूरिया का I1 और यूरिया का कंसंट्रेशन मोल पर लीटर, तो मोल बनाने के लिए मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दिया, अब इसका I1, अब कंसंट्रेशन ये क्या लिखा है 5% W/V, तो 5 मैंने आपको पढ़ाया है, पहला क्या होता है सल्यूट, दूसरा क्या होता है सॉल्यूशन, तो सल्यूट कितना है 5 ग्राम, मोल ऑफ सॉल्यूट हो गया, मास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होना चाहिए लीटर में, 100 ml है, ml को लीटर बना लिया, अब इसको खेल लो कट्टम काट, तो ये आ गया 1/6 और ये आ गया ऐसे, मतलब ये ऊपर आ गया ऐसे, तो
50 इंटू 6 तो कितना आ गया 5 × 6 = 30 300। कहीं पर 300 दिया है? सही है सब लोगों का? आलोक, यदि सभी बच्चे इस क्वेश्चन को कर पाए हो, समझ पाए हो, तो जल्दी से चैट बॉक्स में यस 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 लिख दीजिए। यदि सारे बच्चे इस क्वेश्चन को समझ पाए हो, कर पाए हो, तो जल्दी से क्वेश्चन चैट बॉक्स में यस यस लिख दीजिए। समझ पाए कैसे किया गया? समझ पाए हो ना भाई? ये ग्राम पर लीटर दिया है, तो ग्राम पर लीटर को मोल पर लीटर को मोल बनाने के लिए यूरिया का कितना है 60। अब ये क्या दिया है 5% ऐसे। मैंने आपको मोल कांसेप्ट में पढ़ना सिखाया क्या होता है सॉल्यूट, दूसरा क्या होता है परसेंटेज का मतलब 100 कर दिया। यस वेरी गुड वेरी गुड। तो चलो अब इस हेडिंग पे सारे बच्चे आ जाए। हेनरी ला, हेनरी ला के बारे में सारे बच्चे बताएं। देखो हेनरी ला क्या होता है, गैस को जब हम पानी में डालते हैं या सॉल्वेंट में डालते हैं तब सॉल्बिलिटी की बात की जाती है, उस सॉल्बिलिटी को ही निकालता है हेनरी ला। तो सॉल्बिलिटी क्या है? अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्बिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अट्रैक्शन फोर्स के। किसके किसके बीच का अट्रैक्शन फोर्स? गैस और सॉल्वेंट के बीच का। गैस और सॉल्वेंट के बीच में जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा सॉल्बिलिटी उतनी ज्यादा आएगी। सॉल्बिलिटी टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अट्रैक्शन फोर्स ब्रेक हो जाएगा तो सॉल्बिलिटी कम हो जाएगी। सॉल्बिलिटी प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितना ज्यादा प्रेशर डालोगे उतनी ज्यादा सॉल्बिलिटी आएगी। और इसी को कहा जाता है ये हेनरी लॉ है। जितना ज्यादा प्रेशर डालोगे उतने ज्यादा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिजॉल्व होंगे और इसको कहते हैं हेनरी कांस्टेंट। उसको क्या कहते हैं? हेनरी कांस्टेंट KH को। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड क्या होता है? मोल ऑफ गैस प्लस मोल ऑफ वाटर। अब गौर से देखो, यदि मैं मोल ऑफ गैस की जगह लिख दूं 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस की जगह लिख दूं 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये क्या है? सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। क्यों भाई? गैस का मोल फ्रैक्शन प्लस सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन मिलके 1 होगा कि नहीं होगा? तो मोल ऑफ गैस की जगह ये लिखा जा सकता है कि नहीं? तो जरा गौर समझना। सॉल्बिलिटी डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? हेनरी कांस्टेंट के। सॉल्बिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है हेनरी कांस्टेंट के। चेक कर लो, ये हेनरी कांस्टेंट है, ये सॉल्बिलिटी है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो आएंगे। ए बी इक्वल टू 1, तो ए 1/b हुआ ना, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो हुए। बात समझ पा रहे सब लोग? क्या ये बात सब लोग समझ पा रहे? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो हुए है ना? ये क्या हुए? इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो हुए यार। आप चेक करो दोनों के दोनों। अब जरा गौर से देखो, अब हमने क्या लिखा? प्रेशर और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के बीच में ग्राफ बनाया। तो ये क्या है? वाई। ये क्या है? एक्स। तो ये क्या हुआ? एम। तो स्लोप आया ये और ग्राफ बना ऐसे। अब किसी ने ग्राफ बनाया प्रेशर ऑफ गैस और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के बीच में, तो इक्वेशन ये आएगी। अब इस इक्वेशन को यदि आप देखो तो ये इक्वेशन ऐसी है। चेक करो, ये देखो। अब इस इक्वेशन में यदि आप गौर से ध्यान दो तो ये हो गया वाई, ये हो गया एम, ये हो गया एक्स, ये हो गया सी। तो ये निगेटिव स्लोप के साथ आ रही है और इक्वेशन ये आ रही है। तो ध्यान रखिएगा कि वो कौन सा ग्राफ पूछ रहा है। ध्यान रखिएगा कि वो कौन सा ग्राफ पूछ रहा है आपसे। ऐसा ना हो कि जोश में ये वाला ग्राफ बना दो। ये क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस वर्सेस प्रेशर ऑफ गैस के बीच में ग्राफ है। और ये क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट और प्रेशर ऑफ गैस के बीच में ग्राफ है। तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्लियर? क्लियर। अब यार इस पर क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन दे देता हूं। देखो बच्चों, इस पर क्वेश्चन कैसे आएगा?
मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, हेनरी कॉन्स्टेंट ऑफ गैस ए एंड गैस बी, हेनरी कॉन्स्टेंट गैस ए और गैस बी का आपको दिया है। ए गैस का हेनरी कॉन्स्टेंट की वैल्यू 0.75 है, ठीक है, जो निकल के आ रही है एटमॉस्फियर इन, हाँ एटमॉस्फियर। और बी गैस के हेनरी कॉन्स्टेंट की वैल्यू जो है वो 0.39 है एटमॉस्फियर। अब मैं कह रहा हूं अरेंज सॉल्विबिलिटी, अब सॉल्विबिलिटी का ऑर्डर बताओ आपके हिसाब से क्या होगा। ऑप्शन ए, ए की सॉल्विबिलिटी ज्यादा होगी, ए की सॉल्विबिलिटी ज्यादा होगी बी से, बी की सॉल्विबिलिटी ज्यादा होगी ए से, या दोनों की सॉल्विबिलिटी आपस में बराबर होगी, या फिर नन ऑफ दीज, बताइए, या फिर नन ऑफ दीज, जल्दी बताइए। तो सॉल्विबिलिटी क्या है, सारे बच्चे आंसर दें। सॉल्विबिलिटी जो है वो हेनरी कॉन्स्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हेनरी कॉन्स्टेंट इसका ज्यादा है, इसका मतलब इसकी सॉल्विबिलिटी कम है, और हेनरी कॉन्स्टेंट इसका कम है, इसका मतलब इसकी सॉल्विबिलिटी हाई है और इसकी लो है, इसका मतलब बी वाला आंसर होगा। यस 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 यस, बहुत सही बच्चों, इसका मतलब बी वाला आंसर होगा। अब देखो आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ाता हूं कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं। लास्ट एंड फाइनल टॉपिक है, बस अगले 10 मिनट 12 मिनट आपको रुकना है, अगले 10-12 मिनट में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं। बताओ आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करते हैं, सारे बच्चे बताएं। बताओ बच्चों, तो गौर से मेरी बातों को सुनो। आइडियल सॉल्यूशन क्या है, आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है वो आइडियल, और जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता है वो नॉन आइडियल। क्लियर, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है वो आइडियल, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता है वो नॉन आइडियल। अब जब राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा तो दो केस, पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या है, राउल्ट्स लॉ से ज्यादा प्रेशर प्लस, प्लस का मतलब क्या होता है ज्यादा, यदि राउल्ट्स लॉ से ज्यादा प्रेशर आ रहा है एक्सपेरिमेंटली तो पॉजिटिव डेविएशन, राउल्ट्स लॉ से कम प्रेशर आ रहा है तो नेगेटिव डेविएशन। तो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं मतलब वो आइडियल सॉल्यूशन है, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते वो नॉन आइडियल है। नॉन आइडियल में दो केस, पॉजिटिव डेविएशन का मतलब राउल्ट्स लॉ से ज्यादा प्रेशर ला रहा है तो पॉजिटिव डेविएशन, राउल्ट्स लॉ से कम प्रेशर ला रहा है तो नेगेटिव डेविएशन। उनके बीच में क्या रिलेशन होते हैं जरा देखो, पहला इंट्रैक्शन, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है उसमें मैंने कहा है कि ए ए मॉलिक्यूल के बीच का इंट्रैक्शन, ए बी मॉलिक्यूल के बीच का इंट्रैक्शन, ये आपस में बराबर होते हैं। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या है, राउल्ट्स लॉ से ज्यादा वेपर बनाना, पॉजिटिव मतलब ज्यादा क्या, वेपर प्रेशर। तो ज्यादा वेपर प्रेशर कब बनेगा, जब इंट्रैक्शन कम हो भाई, वेपर ज्यादा कब बनेगी, जब मॉलिक्यूल के बीच में इंट्रैक्शन कम हो। तो इसीलिए देखो मॉलिक्यूल के बीच का इंट्रैक्शन कम है, देखो जब सॉल्यूशन बना ए और बी, ए और बी के बीच का इंट्रैक्शन कम है तभी तो पॉजिटिव आएगा, और ए और बी के बीच में इंट्रैक्शन ज्यादा हो गया तो निगेटिव आएगा। राउल्ट्स ने कहा कि तीनों बराबर होते हैं। अब यदि सॉल्यूशन का सॉल्यूशन में इंट्रैक्शन कम हो गया तो वेपर ज्यादा बनेगी तो पॉजिटिव डेविएशन, सॉल्यूशन में इंट्रैक्शन ज्यादा हो गया तो वेपर कम बनेगी, नेगेटिव डेविएशन। अच्छा, चेंज इन वैल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डेल्टा बी, सॉल्यूशन का वैल्यूम माइनस ए प्लस बी। अब सारे इंट्रैक्शन बराबर है तो ना तो मॉलिक्यूल एक्सपेंड करेंगे ना मॉलिक्यूल श्रिंक करेंगे, क्यों, सारे इंट्रैक्शन बराबर है, इसलिए डेल्टा वी इक्वल टू जीरो। अब यहां पे आओ,
इंट्रैक्शन क्या है, कम हुआ है, पास टू डेविएशन है ना, तो इंट्रैक्शन कम हुआ है। तो जब अट्रैक्शन कम होगा तो मॉलिक्यूल फैलेंगे, और फैलेंगे तो सोल्यूशन बनाने पे वॉल्यूम बढ़ जाएगा, इसलिए पास टू डेविएशन प्लस। अब जब इंट्रैक्शन बढ़ गया, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो वो श्रिंक होगा, श्रिंक होगा तो वैल्यू कम हो जाएगी, इसलिए निगेटिव। अब यहां चेंज इन इंथैल्पी, जब सारे फोर्सेस बराबर हैं तो जितने फोर्स फॉर्म किए उतने ही फोर्स ब्रेक कर रहे हो, सारे फोर्स बराबर हैं तो फॉर्म करने में 10 जूल एनर्जी दी तो ब्रेक करने में भी 10 जूल एनर्जी देनी पड़ेगी, और फॉर्म करने में 10 जूल एनर्जी निकलेगी। क्यों? राउल्स लॉ में सारे अट्रैक्शन फोर्स और बराबर है तो डेल्टा एच की वैल्यू जीरो। क्यों? जितना फोर्स इनको ब्रेक करने में देना पड़ा उतना ही फोर्स फॉर्म हुआ। अब पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या है? अट्रैक्शन कम है तो ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी, और जब अट्रैक्शन फॉर्म हुआ तो वो वीक फॉर्म हुआ, और वीक अट्रैक्शन फॉर्म हुआ तो एनर्जी कम निकली, देनी ज्यादा पड़ी और निकली कम, तो साइन कैसा आएगा? प्लस। अब यहां पे देखो, देनी कम पड़ी निकली ज्यादा, क्यों? अट्रैक्शन बढ़ गया है, अट्रैक्शन बढ़ गया तो जब ब्रेक किया तो कम दी, और अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से हमें ज्यादा एनर्जी निकली, तो साइन कैसा आया? निगेटिव। अच्छा, अब इंट्रोपी चेंज, यदि किसी भी चीज की मिक्सिंग कर रहे हो तो इंट्रोपी हमेशा बढ़ती है, क्यों? क्योंकि नंबर बढ़ रहे हैं, तो इंट्रोपी आइडियल नॉन आइडियल सबके केस में पॉजिटिव रहेगी, इंट्रोपी पॉजिटिव, इंट्रोपी पॉजिटिव, इंट्रोपी पॉजिटिव, वैल्यू अलग अलग होगी मगर सबकी इंट्रोपी बढ़ेगी, क्यों? क्योंकि मिक्सिंग हो रही है, रैंडमनेस बढ़ रही है, इसलिए इंट्रोपी सबकी पॉजिटिव। अब डेल्टा जी का साइन देखो, डेल्टा जी का साइन सबका निगेटिव, क्यों? प्रोसेस हो रहा है, आइडियल हो या नॉन आइडियल सोल्यूशन तो बन ही रहा है ना, दो लिक्विड मिलाने से सोल्यूशन तो बन ही रहा है, इसका मतलब प्रोसेस तो स्पॉन्टेनियस ही है, तो डेल्टा जी इसका भी निगेटिव, इसका भी निगेटिव, इसका भी निगेटिव, वैल्यू अलग अलग आएगी मगर सबके डेल्टा जी निगेटिव आएंगे। अब वेपर प्रेशर, तो ये बात तो मैंने पहले ही पढ़ा दी कि राउल्स लॉ में क्या था, राउल्स लॉ का प्रेशर और एक्सपेरिमेंटल प्रेशर बराबर था, पॉजिटिव डेविएशन का मतलब राउल्स लॉ से ज्यादा प्रेशर, तो एक्सपेरिमेंटल प्रेशर ज्यादा है और राउल्स लॉ का प्रेशर कम है। निगेटिव डेविएशन का मतलब, निगेटिव डेविएशन का मतलब अट्रैक्शन फोर्स आ गया तो प्रेशर कम हो गया, तो राउल्स लॉ का प्रेशर ज्यादा है, एक्सपेरिमेंटल प्रेशर कम है। अब इसको ग्राफ में कैसे दिखाओगे? राउल्स लॉ की इक्वेशन ये है, तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या है, प्रेशर बढ़ा है, इसका मतलब ये देखो, यदि लाइन राउल्स लॉ की लाइन के ऊपर है तो पॉजिटिव डेविएशन, राउल्स लॉ की लाइन के नीचे है तो निगेटिव डेविएशन, राउल्स लॉ की लाइन के ऊपर प्रेशर की लाइन आने का मतलब हुआ कि प्रेशर जो है वो राउल्स लॉ के प्रेशर से ज्यादा है, और नीचे आने का मतलब हुआ कि एक्सपेरिमेंटल प्रेशर जो है वो राउल्स लॉ के प्रेशर से कम है, है ना जी? बात समझ पा रहे हो सारे लोग? ये वाली टेबल बहुत अच्छे से करिएगा क्योंकि इस पर क्वेश्चन आएंगे, इस पर क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखिएगा सब लोग। क्लियर है सब लोगों को? क्लियर है ये बात? क्या सब लोगों को क्लियर है? अब जरा देखो, आप लोगों के लिए लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, इसके बाद क्वेश्चन कराऊंगा, गौर से देखो, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के क्वेश्चन कैसे निकालते हैं, पढ़ो। मिलाने से पहले और मिलाने के बाद फोर्स अप्रोक्सीमेट सेम है तो आइडियल, जैसे देखो हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन, मिलाने के बाद भी हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन इंटरेक्शन, बेंजीन हाइड्रोकार्बन है तो हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन इंटरेक्शन है, टाइलिन भी हाइड्रोकार्बन है हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन इंटरेक्शन है, मिला दिया तो भी क्या आया, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन इंटरेक्शन, मिलाने से पहले और मिलाने के बाद के इंटरेक्शन लगभग सेम है तो आइडियल सोल्यूशन। जैसे ये देखो, एक जैसे मॉलिक्यूल है, एक जैसे मॉलिक्यूल है तो आइडियल। अब पास टू डेविएशन समझो, मिलाने से पहले ज्यादा फोर्स और मिलाने के बाद कम फोर्स हो जाता है तो पास टू डेविएशन। जैसे वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वाटर में कुछ भी डालोगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो जाएगी, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक स्ट्रांग फोर्स है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, एक स्ट्रांग फोर्स है, तो वाटर में कुछ भी डालोगे तो पास टू डेविएशन आएगा, बस वो क्या ना हो, एसिड ना हो, साल्ट ना हो और बेस ना हो। क्यों?
एसिड साल्ट और बेस क्या करते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं वाटर में। आयोनाइज हो जाएंगे तो आयन आयन इंट्रैक्शन बनाएंगे, वो वाटर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन होता है। अभी मैंने पीछे पढ़ाया था, ये देखो पढ़ाया है, ये देखो आयन आयन इंट्रैक्शन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, फिर डाइपोल होता है, फिर नॉन पोलर नॉन पोलर होता है। तो वाटर में कोई भी सलूट डाल रहे हो पास टू डेविएशन होगा, बस वो एसिड ना हो, बेस ना हो, साल्ट ना हो। अब गौर से देखो, मिलाने के बाद फोर्स ज्यादा हो जाए तो निगेटिव डेविएशन। वाटर में एसिड डालो, वाटर में बेस डालो, वाटर में साल्ट डालो, तो ये आयोनाइज हो जाएंगे। आयोनाइज हो जाएंगे तो इंट्रैक्शन बढ़ गया, वाटर के इंट्रैक्शन से ज्यादा इंट्रैक्शन आ गया, इसलिए ये सब निगेटिव डेविएशन। वाटर में HCl डाला, निगेटिव डेविएशन। वाटर में NaOH डाला, निगेटिव डेविएशन। वाटर में H2SO4 डाला, निगेटिव डेविएशन। वाटर में CCl4 डाला, पॉजिटिव डेविएशन। वाटर में अल्कोहल डाला, पॉजिटिव डेविएशन। क्यों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक कर रहा है। तो गौर से बात को समझना, ये कॉन्सेप्ट आपके काम आएगा क्वेश्चन निकालने में। जैसे ये देखो 2020 का क्वेश्चन, 2020 का क्वेश्चन देखो, अब क्या पूछ रहा है जरा देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को सब लोग करो। द मिक्सचर विद सो पास टू डेविएशन, देखो क्लोरोफॉर्म ब्रोमोफॉर्म एक जैसे हैं, आइडियल होंगे। एथेनॉल एसीटोन बेंजीन टाइल्यून एक जैसे हैं, आइडियल होंगे। अब क्लोरोफॉर्म इसमें देखो और इसमें इसमें देखो, देखो इसमें और इसमें क्या है, क्लोरोफॉर्म जो होता है वो क्या करता है, एसीटोन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। ऐसे गौर से देखो, एसीटोन ये है और क्लोरोफॉर्म ये है, अब ये क्या करते हैं, इस तरह के हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, सबसे स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन है, उसके पहले क्या होता है, आयन आयन इंट्रैक्शन। तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन है, तो यार ये निगेटिव डेविएशन हो गया। अब यहां चेक करो, अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, क्यों, ओ से अटैच एच है, किसी के पास ऑक्सीजन से अटैच एच होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अब इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, तुमने बीच में एसीटोन डाल दिया तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो गई तो पास टू डेविएशन हुआ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो गई तो क्या हुआ, पास टू डेविएशन हुआ, ठीक है कि नहीं। अब 2019, अब देखो क्वेश्चन क्या है, द मिक्सचर दैट फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रोप, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मैक्सिमम। तो मैंने आपको अभी पीछे पढ़ाया है कि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट के बीच में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यदि ये मैक्सिमम होगा तो ये क्या होगा, मिनिमम होगा। इसका मतलब तुम्हें निगेटिव डेविएशन वाला केस ढूंढना है, इसका मतलब तुम्हें निगेटिव डेविएशन वाला केस ढूंढना है। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट तो मिनिमम वेपर प्रेशर, क्यों, दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो निगेटिव डेविएशन का केस ढूंढो। वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, अल्कोहल डाल दोगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो गई, पास टू डेविएशन का केस है। एसीटोन कार्बन डाइसल्फाइड, एसीटोन में डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होता है, ये देखो। अब तुमने इसको डाल दिया तो ये तो नॉन पोलर है तो इंट्रैक्शन वीक हो गया, पास टू डेविएशन का केस है। अब ये क्या है, आइडियल सोल्यूशन है। वाटर और नाइट्रिक एसिड, देखो मैंने अभी पढ़ाया है कि वाटर में कोई भी एसिड डालोगे तो निगेटिव डेविएशन बनेगा, तो आंसर क्या आएगा, ये आएगा। यस, वेरी गुड वेरी गुड बच्चों, बहुत सही बहुत सही। 2019, देखो आइडियल सोल्यूशन से हर साल क्वेश्चन आ रहा है, देख लो आप। फॉर ए आइडियल सोल्यूशन द करेक्ट ऑप्शन इज, यदि सोल्यूशन आइडियल है तो डेल्टा वी क्या होता है, जीरो के बराबर होता है, डेल्टा एच जीरो के बराबर होता है, डेल्टा जी निगेटिव होता है, ये गलत है, डेल्टा एस पॉजिटिव होता है, ये गलत है। मैंने आपको पढ़ाया है कि हर सोल्यूशन का डेल्टा एस पॉजिटिव होगा, हर सोल्यूशन का डेल्टा जी निगेटिव होगा, आइडियल सोल्यूशन का डेल्टा एच जीरो होता है, डेल्टा वी जीरो होता है। यस, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आज का, देखो Which of the following is incorrect for ideal solution? Ideal solution का डेल्टा जीरो होता है, ये करेक्ट है। डेल्टा वी
डेल्टा वी आइडियल सोल्यूशन का जीरो होता है, ये भी करेक्ट है, इनकरेक्ट चाहिए। अब देखो ये क्या है, पी ऑब्जर्व पी कैलकुलेटिंग, कैलकुलेटिंग का मतलब होता है राउड्स लॉ, ऑब्जर्व का मतलब होता है एक्सपेरिमेंटल। यदि एक्सपेरिमेंटल प्रेशर और राउड्स लॉ का प्रेशर बराबर है तो आइडियल। अब जब ये दोनों प्रेशर बराबर होंगे तो इनका डिफरेंस कितना आएगा, इनका डिफरेंस आएगा जीरो के बराबर। तो यदि ये आइडियल है तो जीरो के बराबर होगा, तो ये जीरो के बराबर आ रहा है, ये भी आइडियल है, ये गलत है। किसी भी तरह का सोल्यूशन हो उसका डेल्टा जी निगेटिव होता है, किसी भी तरह का सोल्यूशन हो उसका डेल्टा जी निगेटिव होता है। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, अब सभी बच्चे गौर से सुने, मैंने पूरा लिक्विड सोल्यूशन करा दिया है, आपको लिक्विड सोल्यूशन के नोट्स मिलेंगे, आपको लिक्विड सोल्यूशन के शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, आपको लिक्विड सोल्यूशन के हैंड रिटन सीएसडी मिलेंगे, और ये सारा कुछ मिलेगा संकल्प नीट वेदांतु टेलीग्राम चैनल पे। क्लास के एक से डेढ़ घंटे के अंदर ये डला दिए जाएंगे। क्या क्या क्लास लेक्चर नोट्स, इसमें ये शॉर्ट नोट्स ऑफ लिक्विड सोल्यूशन, हैंड रिटन सीएसडी नोट्स ऑफ लिक्विड सोल्यूशन, ये सब आपको संकल्प नीट वेदांतु के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। आप इन सबको वहां पर देखिएगा। और सभी बच्चों को यदि लेक्चर अच्छा लगा हो, मैंने काफी क्रिस्प फॉर्म में चीजें जल्दी से कराई हैं जैसे आपका टाइम सेव हो सके, तो सभी बच्चों को यदि चैप्टर या ये सिस्टम या ये सेशन अच्छा लगा हो तो जल्दी से लेक्चर को लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और सारे बच्चे बताएं, क्या आप इन सारी चीजों को समझ पाए, क्या आप सारी चीजों को अच्छे से रिवाइज कर पाए, यस या नो? सारी चीजों को आप लोगों ने बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया, सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाए हो, यस या नो? यस या नो? सारा अच्छे से रिवाइज करा दिया है, पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से रिवाइज करा दिया है, आपको नोट्स, शॉर्ट नोट्स और सीएसडी नोट दूंगा जैसे आप और अच्छे से रिवाइज कर सके। और बचे हुए क्वेश्चन में मैं HW लिख दूंगा, उनको आप करिएगा, क्योंकि एक ही जैसे क्वेश्चन है तो मैंने उनको बीच बीच में छोड़े भी है। यस, अब कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि अगला चैप्टर कौन सा लेके आए, क्योंकि अगले चैप्टर हमारे पास पड़ा है रिडॉक्स और केमिकल इक्विलिब्रियम, या तो रिडॉक्स लेके आऊंगा या केमिकल इक्विलिब्रियम, तो जो आप कहोगे वो लेके आएंगे, ठीक है, जो आप कहोगे वो लेके आएंगे। और क्वेश्चन सीरीज में मेरा 12th का पार्ट बाकी है, 11th के सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। जो 9 बजे क्वेश्चन सीरीज चालू होती है उसमें मैंने 11th के फिजिकल केमिस्ट्री के सारे चैप्टर के क्वेश्चन करा दिए थे, 12th के मुझे कराने बाकी हैं, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें और डरे नहीं, मस्ती से पढ़ाई करें और टेस्ट देते रहें। देखो वेदांतु के ऐप पर, ठीक है, पटना सेंटर पर और टेलीग्राम चैनल पर, तीनों जगह टेस्ट सीरीज फ्री चल रही है, फ्री फ्री फ्री, आप उसको ज्वाइन करें और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दें। कहां कहां चल रही है? पटना, बिहार के पटना सेंटर पर, ऑफलाइन सेंटर पर पूरी टेस्ट सीरीज फ्री चल रही है, आप वहां जाके टेस्ट दे सकते हैं फ्री में। आप वेदांतु के ऐप पर जाकर टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री चल रही है। और संकल्प नीट वेदांतु के टेलीग्राम चैनल पर भी टेस्ट सीरीज फ्री चल रही है, आप उन सभी जगह जाके टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दें, जैसे आपको ये पता चले कि आप किस जगह पे लाई कर रहे हो और आपकी कमजोरियां क्या हैं। तो यदि आपको आपकी कमजोरियां पता चल जाएंगी तो भी आप उनको सुधार पाओगे, क्योंकि अभी भी हमारे पास 20 दिन है और 20 दिन अच्छा खासा पार्ट है। अर्जुन, अर्जुन बेटा, थर्मोडायनेमिक्स का जो मेरा पोर्शन बचा है वो भी मैं किसी ना किसी दिन रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, 2-4 दिन के अंदर, है ना, या तो रिकॉर्ड फॉर्म में दे दूंगा या फिर मैं लाइव पढ़ाऊंगा, दो में से एक काम 2-4 दिन के अंदर कर लूंगा, ठीक है। ठीक है, बाय बाय, अपना ध्यान रखना, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, बाय बाय बच्चों, बाय।